से 3 सीटें पीछे कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है 95 पर, बीजेपी जेडीएस के खाते में 19 सीटें। बड़ा उलटफेर हो जाएगा क्या कुछ, ऐसी संभावना भी है या नहीं? बड़ा उलटफेर तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये जो आंकड़े हैं तो सांस तो सबकी अटकी रही। कर्नाटक के पेरिया पटना से कांग्रेस के वेंकटेश आगे जी। और अभी जो आंकड़े हैं उसमें जरूर सांसें अटकी हुई हैं, कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही है लेकिन बहुत आगे पीछे इस वक्त चल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहे हैं आंकड़े, बहुत अंतर भी नहीं है। जो अभी तस्वीर है उसमें बीजेपी के पास 95 है तो कांग्रेस पार्टी के पास 110, यानी बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जेडीएस के पास अभी उसके पास 19 सीटें लेकिन कुमारस्वामी खुद पीछे चल रहे हैं, तो ये 19 तक बने रहेगी उनकी बढ़त या और पीछे नीचे जाएगी वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी बहुत अंतर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच नहीं है। क्या ये सिर्फ दो पार्टियों के बीच आमने सामने की लड़ाई ही रही है? जेडीएस कहीं नहीं दिखाई दी है, ये जरूर बड़ी तस्वीर होगी जो इसके बाद उभर कर सामने आएगी। बिल्कुल बहुमत से लेकिन पिछड़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल सुमेरा, और बहुत तेजी से नतीजे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। रुझान जो आपके सामने है उसमें आप देखिए आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक कांग्रेस पार्टी 2 सीट आगे हो गई थी बहुमत से, 115 तक कांग्रेस का आंकड़ा पहुंच गया था, लेकिन अब नीचे आई है 109 पर, बीजेपी 94 पर है। लेकिन एक बड़ी बात देखने को मिल रही है हर्षवर्धन जी की, शुरुआत में हमने देखा, बहुत शुरुआती दौर में हमने देखा बीजेपी आगे कांग्रेस पीछे, उसके बाद कांग्रेस आगे आती है और कांग्रेस लगातार आगे बनी हुई है बहुमत के आंकड़े से, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने कम से कम इन चुनावों में जिस तरह की लड़ाई लड़ी है, और एक बात मैं और कहूंगा, देखिए यहां सेंटिमेंट अच्छा था तो पूरा गांधी परिवार ताकत लगा गया, उन्हें आगे भी हर चुनाव में इसी तरह की ताकत लगानी होगी। यानी जहां जीत रहे हैं, क्योंकि मोदी शाह वहां भी जाते हैं जहां वो हार जाते हैं, वो बंगाल में भी उसी तरह से लड़ते हैं, दूसरे राज्यों में उसे ये सीखना पड़ेगा, पंजाब में भी मोदी शाह उसी तरह से लड़ते हैं। और ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं ये मोदी शाह की लास्ट 10 डेज की कैंपेनिंग का असर है, मैं इसको ऐसे ही देखता हूं। बिल्कुल, कैंपेनिंग का अगर जिक्र किया जाए कांग्रेस पार्टी का, जयशंकर जी किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि हिमाचल में सोनिया गांधी नहीं गई थी, लेकिन यहां पर हमने देखा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, यानी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी और उसका असर सामने है। नहीं, कर्नाटका में कांग्रेस के मेन कैंपेनर के रूप में प्रियंका गांधी ने जो असर छोड़ा है वो अद्वितीय है। लोग उसमें इंदिरा गांधी की छवि भी देख रहे थे, जिस ढंग से वो बोल रही थी, जिस ढंग से बात कर रही थी, और नरेंद्र मोदी को सामने लेकर के जिस ढंग से बातें कर रही थी, उसका एक इम्पैक्ट पड़ा, खासतौर से वहाँ के युवाओं में एक इम्पैक्ट पड़ा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी भी अपनी धीर और गंभीर छवि को पेश करने में सफल। लेकिन एक चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि कांग्रेस और जेडीएस अगर मौजूदा सूरत हाल में भी मिल जाए सुमेरा, तो बहुमत का आंकड़ा जो है वो पार कर जाते हैं। जी हाँ, बहुत कंफर्टेबली आगे बढ़ जाते हैं, और बीजेपी जेडीएस भी अगर मिल जाते हैं तो वो बहुमत तक पहुंच जाते हैं। तस्वीर बहुत दिलचस्प है इस वक्त जेडीएस के लिए, कुमारस्वामी भले ही पीछे चल रहे हो लेकिन जेडीएस के लिए अभी की जो तस्वीर है उसमें उनकी भूमिका अहम हो जाती है। ब्रेक ब्रेकिंग, कर्नाटक के चामुंडेश्वरी से बीजेपी के कवीश गौड़ा आगे। अगर ये स्थिति बनी रहती है तो देवेगौड़ा और कुमारस्वामी का ख्वाब जो है वो संपन्न हो जाएगा। वो यही चाहते ही थे, वो उनको पहले भी नहीं, कभी अपने गुमान में नहीं ऐसा था कि अपने बल पे कभी सरकार बनाएंगे, और वो किंग मेकर का रोल प्ले करना चाहते, तो अगर ऐसा हो जाता है। नहीं, लेकिन ये अभी किसी भी स्थिति में राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा कि बार बार एक छोटी पार्टी, मैं किसी भी राज्य में मानता हूँ कि छोटी सी इतनी पार्टी वो मुख्यमंत्री बनेगी तो क्या करेगी सरकार, सिर्फ और सिर्फ राज्य की जनता हो गया पर लगाई। देखिए देखिए तस्वीर बदल गई फिर से, 115 हो गया है, देखिए अब उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो जो छोटा दल है उसकी अहमियत नहीं होगी। लेकिन पुष्पेश पंत जी, कांग्रेस पार्टी के बारे में ये लगातार कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में पिछले 1 साल से, यानी कैंपेन को या अपने जो सस्टेन्ड कैंपेन था वो चलाया और लगातार वो उस पर कंसिस्टेंट रहे। आखिर में कुछ घटनाएं हुई जिनको कहा जा रहा था कि ये सेल्फ गोल थे, तो क्या उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी बढ़त बनाई है? हम ये मान के चलते हैं कि कांग्रेस पार्टी मूर्खों की पार्टी, वो कोई सबक नहीं सीखती। निश्चित रूप से अपनी हार से कांग्रेस पार्टी भी सबक सीखती है, और मुझे लगता है निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत कुछ कांग्रेस ने सीखा है। पुष्पेश जी हमारे साथ प्रेम शुक्ला और हरीश रावत जुड़ चुके हैं। सामने आंकड़ा आपके, बीजेपी 87, कांग्रेस 117, कांग्रेस 117 क्रूजिंग इजली, यहाँ पर जेडीएस 20। प्रेम शुक्ला हमारे साथ है। प्रेम शुक्ला जी, 9 बज चुके हैं, पोस्टल बैलेट्स के आगे की कहानी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस 117, मैं अपने जो रुझान आ रहे उनके साथ जा रहा हूं, आपका पहला रिएक्शन क्या क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए निश्चित तौर पर जो है वहां कड़ी टक्कर है, और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव परिणामों का जैसे उसमें जो स्थैर्य आएगा
स्थिरता के साथ भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा, हमें पूरा विश्वास है। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर यही तस्वीर उभर कर सामने आती है, जिस तरह की तस्वीर अभी दिखाई दे रही है, तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उस तरह की रैलियां नहीं करते या उस तरह से बीजेपी आखिर में कैंपेन नहीं करती, तो इससे भी कहीं और पीछे होते। देखिए, निश्चित बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो सुगठित और सांगठनिक जो हमारी प्रचार करने की हमारा रणनीति है, उसका हमें चुनाव दर चुनाव लाभ होता है, तो कर्नाटक में भी उसका लाभ मिलेगा और उसका लाभ ही हमको स्पष्ट बहुमत की तरफ ले जाएगा। नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अगर ये जो रुझान है ये नतीजों में तब्दील होते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा जिसने आपकी पार्टी को इफेक्ट किया वो क्या मानेंगे आप? एंटी इनकम्बेंसी या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा, 40% कमीशन का मुद्दा जिसे कांग्रेस ने उठाया? देखिए समीर भाई, अगर मगर इत्यादि किंतु परंतु इत्यादि का जो है उत्तर जो है निश्चित तौर पर पत्रकार और विशेषज्ञ दे सकते हैं जी, लेकिन एक पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव परिणाम आने की प्रतीक्षा करने के बाद ही उसका जो है विस्तृत विश्लेषण करना चाहिए। इसी पर प्रेम शुक्ला जी, हरीश रावत जी से बात कर लेते हैं। हरीश रावत जी, जश्न बहुत पहले कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में मनना शुरू हो गया था, क्या वो समय से पहले तो नहीं था? हालांकि अभी रुझान में आप 118 पर हैं, लेकिन क्या सांस अटकी हुई है अभी? तो 30 से ज्यादा के आंकड़े को पार करेंगे, क्योंकि जो रुझान पहले जनता का दिखाई दे रहा था कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं और इसका जो ये परिवर्तन आया है, इसमें भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के कांग्रेस ने कर्नाटक के अंदर अपनी चुनाव प्रणाली को बिल्कुल ठीक तरीके से रखा, हमने कहीं पर कोई चूक का मौका नहीं दिया, और प्रधानमंत्री जी ने अंतिम दौर में जिस तरीके से ध्रुवीकरण का प्रयास किया उसको भी कर्नाटक की जनता ने लताड़ा है। एक बात और कही जा रही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में जितना दम लगाया, पूरी ताकत से जिस तरह चुनाव लड़ा, वैसे कांग्रेस पार्टी बाकी राज्यों में चुनाव लड़ती नजर भी नहीं आती है, ये मानते हैं आप? मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरे परसेप्शन में जो अंतर आया है उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बड़ा है और ये कर्नाटक। लेकिन सर हरीश जी, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान के रूप में बदल देगी। हरीश जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। देखिए, अब आप थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत बुरी तरीके से गुजरात हार रहे हैं, हिमाचल जीते हैं, इसका श्रेय भारत जोड़ो को जाएगा या इसका श्रेय लोकल लीडरशिप को जाएगा, जनता को जाएगा, हमें पता है सर। देखिए हिमाचल में हमने हर कार्ड बहुत सही तरीके से खेला, जिससे हम प्रधानमंत्री जी के ध्रुवीकरण की राजनीति का ठीक ठाक जवाब दे पाए, मगर गुजरात में कुछ हमारी रणनीति में कुछ कमजोरियां रही और वो जो भरपाई हमारी भारत जोड़ो यात्रा से जो परिवर्तन आया था, परसेप्शन में बदलाव आया था लोगों के, उसको यानी आप ये मान रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का अहम रोल रहा है? प्रेम शुक्ला जी, भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा आप लोगों ने बताया, राहुल गांधी ने 18 दिन गुजारे, देखिए नतीजा हमारे सामने है, 115 कांग्रेस, 88 बीजेपी। अभी नतीजा नहीं है, रुझान है, तो कृपा करके इतनी जल्दी जो है निष्कर्ष पर ना पहुंचा जाए। और लेकिन रुझानों में फासला बहुत बड़ा है। अब तो राहुल गांधी की मम्मी भी जो है वो कर्नाटक को संप्रूफ बनाने के अभियान पे लग गई है, तो हम क्या गलत कह रहे थे? नहीं तो जनता ने क्या ये बात मानी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि रैली में उन्होंने संप्रभुता वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया था, जिक्र ही नहीं किया था। मानने के पहले क्यों हम जो है, प्रेम जी मुझे एक बात बताइए, पहले ठीक है प्रेम जी, नहीं दे सकते ना, माफी चाहूंगा मैं थोड़ा सा चुनाव के पहले की कहानी जो है उसको थोड़ा वहीं रखते हैं, मैं आगे की कहानी की बात करता हूं। ये रुझान है, मैं अपने रुझानों पर जाऊंगा, मेरा चैनल का ये जो रुझान आ रहा है मैं उस पर जाऊंगा। इन रुझान के बेसिस पर अगर रिजल्ट यही रहता है तो मैं थोड़ा हाइपोथेटिकल हो रहा हूं। क्या आपको नहीं लगता है कि कर्नाटक के जो रुझान आ रहे हैं वो रुझान ऑपोजिशन के लिए एक नई लीज ऑफ लाइफ होंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ी ताकत होंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? प्रेम जी, मेरा सवाल आपसे था ये।
जी मैं सुन नहीं पाया, क्या कह रहे हैं आप? मेरा सवाल ये था, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा प्रेम जी, हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी के साथ सदानंद गौड़ा जुड़े हैं, क्या कह रहा है ये देखते हैं। The words and the reports given by workers there in the ground level, it will remain true. लेकिन अगर बीजेपी मैजिक नंबर पे नहीं पहुंचती है तो प्लान बी क्या है बीजेपी का? सर प्लान बी इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर अस सर, इट इज नॉट नेसेसरी एंड इट इज नॉट द राइट टाइम। द डिसीजन विल बी टेकन बाय सेंट्रल पार्टी लीडर्स इफ एट ऑल सच थिंग हैपेंस। वॉट वी शुड डू दैट दे विल टेल एंड वी विल गो अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शंस, बट एट प्रेजेंट इवन नाउ आई एम श्योर दैट वी विल क्रॉस द मैजिकल नंबर and there is no necessity to go behind any other political party. Aakhri prashn, kya JDS se zarurat padi to baat cheet ho sakti hai BJP ki? Sir, it is not the right time to comment about all those things. When we get the majority, why we should talk so early? Not necessary. बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका साफ कहना है कि बीजेपी अपने बलबूते सरकार बना सकती है और ये बीजेपी के नेताओं को अभी भी भरोसा है, एक घंटा बीत चुका है लेकिन अब भी इनको भरोसा है कि ठीक है। हम बात कर रहे थे सदानंद गौड़ा से, लेकिन डेटा क्या कह रहा है, गौरव का रुख कर लेते हैं। क्या कह रहा है जी? हाँ, सीधे गौरव का रुख करते हैं, वहां बहुत इंटरेस्टिंग डेटा वो कुछ हमें बताने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुमेरा और निशान, देखिए मेरे पास इस वक्त एक आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, जल्दी से चलते हैं अपनी एलईडी स्क्रीन पर और यहाँ पार्था डेटा मुशाय हमें बताएंगे कि यहाँ क्या दिख रहा है। जल्दी से राजेंद्र जी कैमरा धर लेकर आइए। ये वोट परसेंटेज है, शुरुआती रुझानों में ये जो जेडीएस को ज्यादा दिख रहा था वो अब कांग्रेस के पाले में ज्यादा दिख रहा है, बीजेपी और जेडीएस दोनों का कम हुआ है। पार्था ये क्या बता रहा है? देखिए कांग्रेस को अभी तक जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है 46% वोट गिर रहा है, हाँ। और बीजेपी को 39, हाँ। तो मतलब 7% वोट शेयर का एक बहुत एज अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। जेडीएस का भी 9.5 था वो 7.8 हो गया, हाँ। अभी देखना पड़ेगा कौन सा एरिया से रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, बट इनिशियल जो ट्रेंड है ये बहुत एनकरेजिंग फॉर द कांग्रेस है। 7.8 जेडीएस, 39% बीजेपी और कांग्रेस के पास सबसे बड़ा चंक जा रहा है 46.3% का अभी तक। ये इलेक्शन कमीशन का अभी अभी देख लेंगे ये सीट कहां से आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहां दिखाते हैं कहां से आ रहा है, जल्दी 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 देखिए, आते हैं यहां पर और यहां दिखाते हैं। इसमें आ जाइए, आइए राजेंद्र जी इधर आइए, कैमरा इधर लेकर आइए। सबसे ज्यादा यहां दिख रहा है ये ग्रेटर बेंगलुरु पे, ग्रेटर बेंगलुरु में देखिए ज्यादा सीट्स आ रहा है, हां जो ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। ग्रेटर बेंगलुरु में 6 सीट्स दिख रही हैं जिसमें 3 बीजेपी के पास आ जाती दिख रही हैं जिस पर वो आगे चल रहे हैं और 3 पर कांग्रेस आगे दिख रही है, जा रहा है, ठीक है। कोस्टल कर्नाटका में देखिए, ये कोस्टल कर्नाटका, ये गोवा से लगता हुआ इलाका है, ये नीचे केरल से लगता हुआ इलाका है और उधर ये मुंबई कर्नाटका है, हाँ। कोस्टल कर्नाटका में 2 सीटें यहां बीजेपी के पास लीड दिख रही है, ये भी कोस्टल कर्नाटका, ये भी कोस्टल कर्नाटका है, यानी जहां पे उडुपी आता है, जहां पे हिजाब का भी बात शुरू हुआ था, तो क्या है अभी तक जो कांग्रेस का जो स्ट्रेंथ एरिया है वो हैदराबाद कर्नाटका, ये हैदराबाद कर्नाटका में अभी कुछ नहीं दिख रहा, अभी सब प्लेन है, अभी कोई लीड नहीं आया इलेक्शन कमीशन से, हाँ। तो मतलब क्या है जो वोट शेयर है ये हैदराबाद कर्नाटका छोड़कर कांग्रेस का ये वोट शेयर, जो वोट शेयर अभी आया है वो ग्रेटर बेंगलुरु शहरी इलाके का, कोस्टल कर्नाटका जहां पर बीजेपी का गढ़ है, यहां पर सेंट्रल बेंगलुरु में थोड़ी सी बात कर सकते हैं, ऊपर मुंबई कर्नाटका की बात कर सकते हैं और यहां पे बात कर सकते हैं, और इधर सबसे बड़ा इधर जो बड़ा ये न्यूज है ये ओल्ड मैसूर, ये ओल्ड मैसूर में इधर चामराजनगर जो सीट है जहां पर सोमन्ना लड़ रहा है, सोमन्ना साहब 2 सीट लड़ रहा है सिद्धरमैया के अगेंस्ट बरुणा में, ठीक है, और चामराजनगर में भी लड़ रहा है सोमन्ना साहब, ये सीट में फर्स्ट राउंड में पीछे है, लेकिन यहां पर ये ओल्ड शुरू का इलाका है, देखिए इसमें यहां पर हमें जितने भी सीट्स इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है 1, 2, 3 यहां पर ये कांग्रेस सीट दिख रही है, ये भी एक ब्लू और केवल एक सीट यहां जेडीएस आगे दिख रही है, तो इसीलिए जेडीएस का भी एक ही टैली में आ रहा है, हां। तो कांग्रेस वोटिंग परसेंटेज एक बार जल्दी से चेंज कर लें, फिर से चेंज करते हैं वोटिंग परसेंटेज यहां पर क्या दिखा रहा है, दिखाते हैं क्या इतनी देर में वोटिंग परसेंटेज चेंज हुआ, इसको रिफ्रेश करिए देखिए अभी भी वही है, वोटिंग परसेंटेज भी वही है, 7.8% जेडीएस, 39% बीजेपी और 46.3% कांग्रेस। कांग्रेस 47-48% वोट टच कर सकता है, ठीक है, ओवरऑल दैट विल बी अ क्लीन स्वीप। अभी तो आप तो कहते हैं आप रुझानों से सीट्स बता देते हैं, अभी आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? और 10 मिनट टाइम दीजिए और 10 मिनट के बाद हम लोग नंबर बताएंगे। 122 टैली में 122 नहीं, मैं कांग्रेस से कहीं आगे, 122 से काफी ज्यादा सीट जीतेगा ये मालूम है। आप कह रहे हैं कांग्रेस 122 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी, तो किसकी सीटें कम होंगी? जेडीएस और बीजेपी दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, बीजेपी का सीट कम होगा, इससे भी कम 86 पे बीजेपी दिख रही है, वो कम हो जाएगा। कितने पे आएगी बीजेपी? मुझे लग रहा है 70 का करीब आ रहा है, बीजेपी 70 पे आ जाएगी, यानी आप कह रहे हैं 30 से 35 सीटों का नुकसान है बीजेपी को। हाँ डेफिनेटली, आप देखिए 125 अभी आप दिखा रहा है, हाँ। ये नंबर और बढ़ेगा, ये ऊपर जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर 125 कांग्रेस, 84 बीजेपी, 15 जेडीएस, जेडीएस की सीटें भी बहुत कम हो गई है, हाँ वो उतना ही होंगे। आप देखें जेडीएस को कितना नंबर दे रहे हैं आप? अभी देखिए एक ही बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं है, बोलना एक नंबर नहीं, मुझे लग रहा है मतलब 15-20 का बीच में नंबर आएगा, तो 15 पे टिक
की हुई है, जेडीएस कह रहे हैं आप इससे ज्यादा नहीं होगा, 20 तक देख लीजिए निशांत, यहाँ पर जो अभी हमारे डेटा मुशाह हैं वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से जो उनका प्रेडिक्शन कहता है वो कह रहे हैं कांग्रेस की सीटें अभी और बढ़ेंगी, बीजेपी की और कम होंगी, जेडीएस 15-20 में रह सकती है। निशांत जी, लेकिन देखिए अभी डेटा मुशाह तो ये कह रहे हैं कि 122 से भी आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी तक जो तस्वीर बड़ी उभर कर सामने आ रही है उसकी बड़ी बातें आपको बता दें, कांग्रेस बहुमत से आगे निकल चुकी है, 130 पर पहुंच चुकी है। 41 आ गया। बड़ी खबर, रुझानों में बीजेपी पिछड़ी, 80 पर बीजेपी, कांग्रेस 130, जेडीएस 14, बीजेपी के मंत्री पीछे चल रहे हैं, 8 मंत्री पीछे चल रहे हैं, दैट मींस एंटी इनकम्बेंसी साफ दिख रहा है, एमटी नागराज, सुधाकर पीछे चल रहे हैं, समीप बिल्कुल, और इसके अलावा सीसी पाटिल के बारे में भी खबर आ रही है, वो भी पीछे चल रहे हैं, 8 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के पीछे चल रहे हैं, सभी सीटों के रुझान हमारे पास आ चुके हैं, कांग्रेस ने बड़ी बढ़त ले ली है रुझानों में, 130 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे, बीजेपी 80 सीटें हासिल करती हुई, समीर यहां पर अगर मंत्री पीछे चल रहे हैं तो एक और बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, गोटक से बीजेपी के, ये देखिए सामने देखिए, कांग्रेस के महंतेश 500 वोटों से आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आ रही है, गोटक से बीजेपी के रमेश जारकिहोली वो पीछे चल रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है, बताया ये जा रहा था कि इस बार बीजेपी ने सिटिंग मिनिस्टर्स के शायद टिकट नहीं काटे हैं येदुरप्पा की वजह से, वो नहीं चाहते थे ऐसा हो, ऐसा कहा जा रहा है, एक स्कूल ऑफ थॉट था ये। हालांकि देखिए यूपी के कानपुर में कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी आशनी अवस्थी आ गई, तो कानपुर में कांग्रेस की जो मेयर प्रत्याशी हैं वो आगे चल रही हैं, यानी कांग्रेस पार्टी भी अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है, 17 सीटें हैं, 17 मेयर्स बनने हैं और बीजेपी सबसे आगे, उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कानपुर में आगे। यहाँ इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी पीछे चल रहे हैं, जेडीएस के लिए बुरी खबर, हालांकि खुद बहुमत में जो रुझान है उसमें 14 सीट आ गए, कांग्रेस के जगदीश शेट्टार भी पीछे चल रहे हैं, बीजेपी से यहाँ आए थे, कहा जा रहा है बहुत बड़ी खबर लेकर आएंगे, लेकिन कुमारस्वामी जगदीश शेट्टार पीछे चल रहे हैं, डीके शिवकुमार आगे चल रहे हैं, कुमारस्वामी दूसरे राउंड में भी पीछे चल रहे हैं। एक क्विक रिएक्शन यहां पर मैं लेना चाहूंगा, हमारे साथ अभी शिवानंद जी जुड़ चुके हैं, शिवानंद जी एक स्कूल ऑफ थॉट है, हो सकता है गलत है क्योंकि हेर से है, कई जगह छपा, कई जगह ऐसी खबरें आई कि इस बार उतने ज्यादा, जो बीजेपी का एक ट्रेंड होता है बहुत तेजी से अपने सिटिंग एमएलए के टिकट काटते हैं, इस बार शायद वो नहीं कर पाए, येदुरप्पा जी नहीं चाहते थे, उनकी बहुत कुछ बातें चली, क्या उसका ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी तस्वीर भी सामने आ रही है, हमने आपको थोड़ी देर पहले बसवराज बोम्मई की तस्वीर दिखाई थी, कर्नाटक में मुख्यमंत्री पहुंचे थे पूजा अर्चना करने, अब प्रियंका गांधी भी पहुंची है पूजा अर्चना करने, देखिए ये देखिए, और प्रियंका गांधी बड़ी स्टार कैंपेनर रही है कर्नाटक चुनाव में, उन्होंने कई रैलियां की, उनके बयान सामने आए जिसमें वो सीधे तौर पर हेड ऑन लेते हुए दिखाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और एक बात खास और नजर आई, खास और नजर आई निशांत, स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया प्रियंका गांधी पर कि वो इस्लाम को फॉलो करती हैं, नमाज पढ़ते हुए हमने उन्हें देखा है, और प्रियंका गांधी कर्नाटक के चन्ना पटना से, जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी दूसरे राउंड में भी पीछे। खैर अब ये तस्वीर आपके सामने है प्रियंका की, ये तस्वीर कितने चुनावों के बाद सामने ज्यादा आएगी, सर्कुलेशन में कौन करेगा, ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन देखिए ये तस्वीर देखिए, ध्यान लगाकर बैठी हैं, जाको देवी मंदिर है वहां पहुंची हैं वो, और प्रियंका गांधी मंदिर में ध्यान लगाकर भी बैठी हैं और उसके बाद पूजा अर्चना भी उन्होंने की है, बड़ी तस्वीर है ये प्रियंका गांधी के लिए भी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी एक बड़ा चेहरा रही इस चुनाव प्रचार। शिवानंद जी मेरा जो सवाल था आपसे, सिटिंग मिनिस्टर्स हार रहे हैं, 8 मिनिस्टर्स पीछे चल रहे हैं, आप कैसे इसको ले रहे हैं, जो मेरा सवाल था ये उसका कंटिन्यूटी है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कि अभी जो रुझान है, हो सकता है कि जितने मंत्रियों के हारने का दिख रहा हो अंतिम आंकड़ों में ऐसा ना हो, ठीक है, लेकिन अभी के ताजा रुझान के हिसाब से तो यही लगता है कि कर्नाटक की जनता ने सरकार। अच्छा अगर मैं आपसे एक बात मानता हूं, मैं सीधे सीधे आपसे पूछ रहा हूं, ये फेलियर किसका माना जाएगा, ये फेलियर येदुरप्पा का फेलियर है अगर बीजेपी के यही आंकड़े चलते रहे, ये फेलियर
पार्टी की वो स्ट्रैटेजी का था, लोकल स्ट्रैटेजी का था, या फिर ये रिबेल फैक्टर है, ये क्या है? नहीं, चूंकि निशान जी, चूंकि अभी परिणाम नहीं आए हैं सर, मैं रुझानों पे पूछ रहा हूं, आप रुझानों पे, रुझानों के आधार पर किसी के फेलियर को बता पाना ये ठीक नहीं, लेकिन शिवानंद जी अंतर देखिए बहुत बड़ा है, 132 पर कांग्रेस, 78 पर बीजेपी। लेकिन अंसारी साहब, ये जो तस्वीरें हैं प्रियंका गांधी की, ये जो तस्वीरें, इस पर मैं जवाब लूंगा। पहले कर्नाटक के हावेरी से कांग्रेस के रुद्रप्पा लमानी आगे। ठीक है, तो प्रियंका गांधी शिमला के एक मंदिर पहुंची हैं, पूजा अर्चना करती हैं और वहीं ध्यान लगाकर बैठ जाती हैं। ये तस्वीर जो है, ये भी कुछ खास संदेश देती नजर आ रही है क्या? देखिए, पिछली बार जब 2019 का चुनाव हुआ था, रिजल्ट आने के एक रात पहले प्रधानमंत्री जी कहाँ गए थे? एक गुफा में बैठे थे, गेरू रंग का उन्होंने शॉल वॉल पहनी थी। राहुल गांधी के बारे में ये कहा जाता है कि इन सब चीजों में बहुत वो अनकंफर्टेबल थे, लेकिन प्रियंका के बारे में ये नहीं। और ये इलेक्शन अब ये दर्शाता है प्रियंका अब इमर्ज कर रही है एक कैंपेनर के तौर पर, एक कांग्रेस में भी। अगर ये राहुल गांधी की मेंबरशिप नहीं बहाल होती तो 8 साल तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते वो। प्रियंका गांधी वो, और हमने देखा कर्नाटक में भी चुनाव प्रचार खत्म होते ही वो तेलंगाना पहुंच गई, वहां पर प्रचार करने लगी, तेलंगाना पहुंच गई। और प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि मैं तो बेचारा, मेरे हमें तो 91 टाइम्स इन लोगों ने गाली बकी, तो उसने पूरी गिनती गिना दी कि हमें तो 3 पुस्तकें भी हम लिखें तो कम होगी जितने आपने हमारे परिवार को गाली बकी। दैट टेक डाउन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वाज एपिक। तो कर्नाटक जीत के बाद प्रियंका का भी स्टेचर बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन जयशंकर गुप्ता जी, प्रियंका गांधी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में हर चुनाव के पहले ऐसी चर्चा होती है कि देखिए अब ये इमर्ज करेंगे, अब ये आएंगे और अब ये यहाँ से फिर पार्टी को एक अलग मुकाम पर लेके जाएंगे। अब प्रियंका गांधी के बारे में कहा जा रहा है, हालांकि ये जरूर है कि कर्नाटक में उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया है हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को। नहीं, कर्नाटक नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने कैंपेन किया था, वहां पर भी पॉजिटिव रिजल्ट आए थे उनके लिए। देखिए, जो मेरा असल बात यह है कि देश के मतदाता, देश की जनता नफरत की राजनीति को खारिज करने लगी है। कर्नाटक के लोगों ने जिस ढंग से आपने बजरंग बली को इशू बनाया, जिस ढंग से आपने शिव को कि हम तो सांप है और सांप शिव के माला रहती है और लिंगायतों को प्रभावित करने की कोशिश की, इसको खारिज किया। अब ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, पहले कांग्रेस ने ही तो जहरीला सांप कहा ना, मुद्दा तो वहां से शुरू हुआ। एक सेकंड, ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये तस्वीर स्मृति ईरानी जी के पास जरूर भेजवा दीजिएगा। हाँ, वो सब और ये शायद उसी को जवाब दिया जा रहा है। लेकिन कर्नाटक के चन्नागिरी से कांग्रेस के वी शिवगंगा आगे। अब मैं सीधे चलूंगा प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम जी, आप एक छोटी सी चिंगारी बहुत तेजी से एक आग में तब्दील होती है, यह हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन मैं अभी अपने रुझानों पर ही स्टिक करूंगा। हमारे जो रुझान है वो बीजेपी को 77 दिखा रहे हैं, 132 कांग्रेस को दिखा रहे हैं, और आपसे मैं बात कर रहा हूं 9:20 में, यानी पोस्टल बैलेट्स का जो इन्फ्लुएंस है वो काफी हद तक खत्म हो चुका है। मैं रुझान पर जा रहा हूं, आप अगर कर्नाटक हार रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले और राज्यों की विधानसभा चुनावों में विपक्ष अपने आप को कंसोलिडेट करेगा, उसमें एक नई लीज ऑफ लाइफ आएगी इस रिजल्ट के बाद? देखिए, हर चुनाव परिणाम का कुछ ना कुछ जो निश्चित तौर पर संदेश होता है, और पिछली बार भी आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हम झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश का चुनाव हार गए थे, लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जीतेंगे नहीं पराजित हो जाएंगे इस तरह की भविष्यवाणियां तमाम पत्रकार, विशेषज्ञ और विपक्षी नेता दे चुके थे। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव परिणाम आए तो सबके होश फाकता हो गए। प्रेम जी, माफी चाहूंगा, आपको रोकने के लिए माफी चाह रहा हूं। लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में अंतर रहा है, बीजेपी की जो इलेक्शन मशीनरी है वो हर चुनाव को जीतने के लिहाज से काम करती है। मैं इस चुनाव के बेसिस पे लोकसभा नहीं जा रहा हूं, मैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव को भी देख रहा हूं। हाँ, निश्चित तौर पर। आपको क्या लगता है, कांग्रेस हर चुनाव हारने के लिए जाती है और गलती से जीत गई? हर पार्टी जीतने के लिए मैदान में उतरती है। भारतीय जनता पार्टी बेहतर ढंग से वही काम करती है, क्योंकि हमारा नेतृत्व, हमारा संगठन, हमारी नीतियां, प्रेम शुक्ला हमारा नेतृत्व सब बेहतर है। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन अभी जो तस्वीर है, जीतेंगे, हर चुनाव हारेंगे ऐसा नहीं होता है। जाहिर सी बात है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन आप भी तो एक कार्यकर्ता के तौर पर, बीजेपी एक पार्टी के तौर पर आकलन करेगी इस तस्वीर का? 75 सीट पर अगर आप इस वक्त दिखाई दे रहे हो, 132 पर कांग्रेस, क्या आपके मुताबिक 3 मुख्य वजह है आपके इस नंबर पर पहुंचने के लिए? देखिए, जब तक अंतिम परिणाम नहीं आते हैं,
ठीक है प्रेम शुक्ला जी, थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहा हूँ। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर भी असर दिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे के कारण दलित वोटर की शिफ्टिंग हुई, ये बड़ी बातें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है रुझानों से। कांग्रेस का करप्शन दांव चला, बीजेपी का ध्रुवीकरण फेल हुआ, सिद्धारमैया की लोकप्रियता से कांग्रेस को फायदा मिला, डीके शिव कुमार की रणनीति, उनकी कर्नाटक को लेकर स्ट्रेटेजी सफल रही, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी असर दिखा, ये बड़ी बातें। मल्लिकार्जुन खड़गे के कारण दलित वोटर्स की शिफ्टिंग हुई, तो ये भी अहम बातें निकलकर सामने आ रही है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी को शायद सवाल नहीं सुनाई दिया, लेकिन हरीश रावत जी हमारे साथ हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जो बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आई है उसकी, उससे जुड़ी हुई। हरीश रावत जी, प्रियंका गांधी पूजा अर्चना कर रही हैं, प्रियंका गांधी चुनाव तो ये एक थोड़ा आपको मैं रोकने के लिए माफी चाहूंगा, ये जो ईसीजी ग्राफ है आपके सामने है इसको जरा देखिए, 224 और 9 बजे आपके सामने बहुमत 113 का है। बीजेपी और कांग्रेस इनकी धड़कनें बड़ी हुई हैं, जेडीएस एकदम जमीन दोज है। अगर नीचे के देखें कांग्रेस 130, बीजेपी जो है 76, लेकिन ये ईसीजी ग्राफ जो दिखा रहा है वो है कर्नाटक की धड़कन, और कर्नाटक की धड़कन में अभी जो है जिसका दिल धड़क रहा है वो है कांग्रेस ज्यादा, और जेडीएस जो है वो थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत सा नीचे है, खासकर ये देखते हुए कि कुमार स्वामी खुद दूसरे राउंड में पीछे चल रहे हैं। बैक टू यू सुमेरा। देखिए हरीश रावत जी कह रहे थे कि हम 130 तक पहुंचेंगे, अभी जो रुझान है उसमें 130 तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हरीश रावत जी बड़ी वजह आपके मुताबिक क्या रही, क्या प्रियंका गांधी को हम यहां से और ज्यादा प्रमुख उनकी भूमिका देखेंगे और ज्यादा वो सक्रिय होंगी? देखिए प्रियंका गांधी जी हमारी एक महत्वपूर्ण नेता हैं और अति महत्वपूर्ण नेता हैं, और उनका कैंपेन लोगों के दिल को छूता है, और ये भावना जन जन में है कि वो प्रियंका गांधी कैसी है, इंदिरा गांधी जैसी है। मैं एक ऐतिहासिक, और हमारे पास हरीश रावत जी, हमारे पास खबर आ रही है कि बसवराज बोम्मई जी हनुमान जी के मंदिर पहुंचे हैं, हनुमान जी की शरण में पहुंचे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इस वक्त पहुंचे हैं हनुमान जी के मंदिर, और बजरंग बली का मुद्दा किस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान छाया रहा ये हमने देखा। तो दो बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें सुमेरा हमारे सामने आई, प्रियंका गांधी एक तरफ शिमला में मंदिर पहुंचती हैं और दूसरी तरफ बसवराज बोम्मई, एक शुक्रिया कहने गए और दूसरे कठिन वक्त के लिए गए। दोनों की तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ देखिए बसवराज मुंबई हनुमान जी की शरण में हैं, आज वैसे शायद शनिवार का दिन भी अगर मैं गलत नहीं हूं, और यहां पर ये देखिए अब आप प्रियंका जी मां की शरण में हैं, एक धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये है बजरंग बली को इस चुनाव में बहुत याद किया गया, लेकिन अब इससे मुझे एक और सवाल खड़ा होता है, और वो ये है पुष्पेश जी, ये बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस मैं आपसे लेना चाहता हूं इस पर, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो हिंदू मुस्लिम फैक्टर होता है, जो भगवान को याद किया जाता है, कर्नाटक एक केस स्टडी है कि लोकल इश्यूज, एंटी इनकम्बेंसी, इनको डिफीट नहीं कर पाएंगे ये वाले फैक्टर्स? हरि को हरि नाम है पुराना मुहावरा, क्या बात। अगर मुझे लगता है सेकुलरिज्म का मर्म यह है कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, बिल्कुल सार्वजनिक जीवन में उसका इस तरह दुरुपयोग नहीं होना चाहिए कोई भी करे। बिल्कुल ठीक बात है। हरीश रावत जी हमारे साथ हैं। हरीश जी एक एनालिसिस मैं आपसे क्विकली लेना चाहूंगा सर, और प्लीज आप, अच्छा ये तो फिर मैं जावेद साहब के पास जाऊंगा, जावेद साहब हरीश रावत जी नहीं है मेरे पास, एक एनालिसिस मुझे दीजिए क्योंकि आपने कांग्रेस को बहुत बहुत करीबी से कवर किया है। कांग्रेस को नहीं सबको ही। हाँ लेकिन मैं, मुझे याद है वो इंटरव्यू, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है हिमाचल के बाद कांग्रेस रीजनल लीडरशिप को ज्यादा बोल रही है टू टेक देयर कॉल्स ऑन इलेक्शंस रादर देन सेंट्रल लीडरशिप, लेकिन लोकसभा में क्या फॉर्मूला निकलेगा, वहां पर तो सेंट्रल लीडरशिप पे ही रोल आएगा। देखिए जहां तक लोकल इलेक्शन स्टेट इलेक्शन का सवाल है, कांग्रेस लगता है कुछ रणनीति में चेंज आया है, स्पेशली कर्नाटक ऐसी जगह पर। देखिए ये जो कुछ हो रहा है अजूबा नहीं है, बुरे वक्त में भी कांग्रेस पार्टी
33%, 34%, 35%, पिछले इलेक्शन में 38% वोट था, 80 सीटें थी, तो वहाँ पे प्रेजेंस थी, जहाँ पे स्टेट में प्रेजेंस है। अब आप ये बताइए, यूपी और गुजरात और बंगाल में स्टेट लीडर पर चिप पे छोड़ दें तो क्या होगा? तो हर स्टेट, हर इलेक्शन डिफरेंट होता है। जहाँ पे कांग्रेस पार्टी मजबूत है, जहाँ नेतृत्व स्ट्रांग है, वहाँ लोकल लीडरशिप को आगे करके पीछे जो सेंट्रल लीडरशिप है एक सप्लीमेंट्री रोल प्ले करे। और एक फैक्टर यहाँ ये भी हुआ है, मल्लिका अर्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कर्नाटका के हैं, एक कद्दावर नेता हैं, अपने वर्क में बहुत बड़ी सपोर्ट बेस कमांड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अंसारी साहब देखिए, इस वक्त जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, पहली बार वोटिंग परसेंटेज जो है हमारे सामने आ चुका है, 37% वोट बीजेपी के खाते में, 44% वोट कांग्रेस के खाते में, और जेडीएस के खाते में 9% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है रुझानों के हिसाब से। बीजेपी ऑलमोस्ट अपने वोटिंग परसेंटेज के आसपास है पिछली बार के, बल्कि शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1% कम हुआ है। 38% कांग्रेस का टेक्टोनिक राइज है, क्योंकि वहां पर इतना राइज भी है, बहुत बड़ा राइज है, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 6%, जो कि बहुत बड़ा है। लेकिन जेडीएस, they have to think, ye jds ki ab existence ka sawal ho gaya hai, jds is the story of this election, ye hame pata tha hamare exit polls wagera se ki kya ho raha hai, lekin jds is down and out. bilkul, aur old mysuru jo gad hai jds ka, wahan se saaf hoti hui jds nazar aa rahi hai jayshankar ji, lekin fayda बीजेपी को नहीं मिला है, फायदा कांग्रेस को मिला है, यानी कांग्रेस ने जेडीएस के किले में बड़ा डेंट लगाया। नहीं, यकीनन जैसे मैंने शुरुआती दौर में ही कहा था कि जो अल्पसंख्यक मतों का ध्रुवीकरण जो है वो सीधे सीधे कांग्रेस के पास गया है। कांग्रेस ने अपने जो चुनाव घोषणा पत्र में बजरंग दल के साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, तो लोगों ने माना कि ये पार्टी अगर आती है तो राज्य में दंगे, सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक उन्माद भड़काने नहीं देगी, तो इसको लोगों ने पसंद किया। जनता दल एस की राजनीति धीरे धीरे लोगों को लगने लगा है, जिस तरह से पूरे देश भर में अल्पसंख्यक मतदाता लोगों के खिलाफ। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी जीत कर आती है तो राज्य में दंगे हो सकते हैं। पुष्पेश पंजी, यही देखिए, मुझे लगता है वो उनका चुनाव के दौरान कहा गया जुमला था, उसको अच्छा। ज्यादा महत्व शायद नहीं देना चाहिए, मगर मुझे लगता है दंगे कौन पार्टी फैलाती है ये आज मतदाता न केवल कर्नाटक में बल्कि पूरे देश में समझ रहा है। पुष्पेश जी, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है जो कर्नाटक के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उन रिजल्ट्स ने एक चीज बड़ी क्लियर कर दी है कि आपको बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ओल्ड फॉर्मूला विल नॉट वर्क। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। मुझे लगता है ये नुस्खा ज्यादा लागू होगा बीजेपी पर, कि जो सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास वाला नुस्खा था, उसमें लोगों की साझेदारी थी, तब से अब तक 2019 से जो हुआ है उसमें लोगों की साझेदारी नहीं है, तो शायद दंगे भड़काएगी पार्टी, भ्रष्ट पार्टी है, कुनबा परस पार्टी है, शहजादा पार्टी है, लोग इससे आज वोट देने वाले नहीं है। क्या ये पुराने हो गए मुद्दे, या वापस आप बार बार उन्हीं मुद्दों पर आए? इस बीच 9:30 का ECG क्या कहता है, आइए वो बता देते हैं। यानी इस वक्त कर्नाटक की धड़कन क्या कह रही है, देखिए 224 की तस्वीर, लेकिन बीजेपी ऊपर जा रही थी लेकिन फिर नीचे की तरफ गई है, क्योंकि इस वक्त 76 सीटों पर उसकी बढ़त है। कांग्रेस पार्टी लगातार जो उसका ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बना हुआ है, 129 सीट। जेडीएस काफी नीचे है, यानी जेडीएस बिल्कुल डाउन एंड आउट दिखाई दे रही है, बल्कि देखिए अभी एक बार फिर बदलाव हुआ है 16 सीट पर। तो जो इस वक्त का 9:30 बजे का जो रुझान है, जो ये धड़कन है कर्नाटक की, वो ये बता रही है बड़ी तस्वीर में कि कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है वो सीधे तौर पर ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। लेकिन एक बार बात करते हैं विपक्ष की भी, क्योंकि 2024 की बात भी हो रही है। पुष्पेश पंजी, अगर आपसे शुरुआत करूं तो 2024 के लिए सर एक बड़ी खबर पहले ये ले लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर आएंगे। रुझानों में कांग्रेस बहुत आगे निकल चुकी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी बहुत आगे 129 पर है, 130 पर थी, एक सीट जरूर पीछे आई है, लेकिन बीजेपी से लगभग 50 सीट आगे है। तो बड़ा अंतर है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में, और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि इसी तरह की तस्वीर आगे भी जाएगी। 9:30 का जो ECG है वो भी यही तस्वीर बता रहा है। एक और चीज है, मैं यहां पर एक सवाल रेज करूंगा, क्योंकि उसके तंज हमेशा कसे जाते हैं, मुझे लगता है इस बार ईवीएम ठीक काम कर रही है। ईवीएम को लेकर भी कुछ सवाल उठाए गए थे, कहा गया था कि दक्षिण अफ्रीका की ईवीएम है, उसको यहाँ लाया गया, उस पर इसी चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया था कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कर्नाटक के लिए इस्तेमाल की गई ईवीएम है। लेकिन सर विपक्ष और 2024 की रणनीति, कर्नाटक के गोपी से कांग्रेस के श्रीनिवास आगे, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ से आगे चल रही है सर, विपक्ष में क्या कांग्रेस पार्टी की भूमिका बड़ी होगी, क्योंकि अभी तक उनको नहीं पूछ रहे हैं वो।
नहीं, मुझे लगता है कि ये एक जटिल सवाल है। कांग्रेस की भूमिका सबसे बड़े विपक्षी के रूप में, ममता का बंगाल स्वीकार करेगा, आंध्र प्रदेश स्वीकार करेगा, तेलंगाना करेगा, तमिलनाडु करेगा, ये विचारणीय है। वहाँ शायद कांग्रेस को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उसकी विपक्ष की भूमिका सहायक, सहयोगी, समर्थ की हो सकती है, प्राथमिक नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है। और इस वक्त देखिए बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और जीतू पटवारी, तेज तर्रार नेता कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, ये क्या हुआ, 50 सीटों का अंतर, कांग्रेस पार्टी 126 पर, बीजेपी 76 पर, कहां कमी रह गई? देखिए, सबसे पहले आपकी आवाज़ बड़ी धीमी आ रही है, तो जो भी मैं समझ पाया हूँ समीर अब्बास आपकी बातों से जी, अभी ये ट्रेंड 11:30-12 बजे तक सॉलिडिफाई होंगे। ये शुरुआती रुझान है, पहला या दूसरा राउंड काउंटिंग का चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि या तो हार स्वीकारने की या जीत घोषणा करने की अभी ज़रूरत है। पर एक दो निष्कर्ष साफ है। पहला निष्कर्ष, अगर ये एंटी इनकम्बेंसी वोट होता तो अगर मैं सारे चैनलों का देखूं तो वहां पर लगभग बीजेपी 80-85 दिखाई दे रही है, तो ये कौन सा एंटी इनकम्बेंसी वोट था, इसमें तो हम ध्वस्त हो जाते। तो क्लियरली कोई एंटी इनकम्बेंसी वोट नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने एक टेम्पलेट बनाया तुष्टिकरण की राजनीति का, उसके चलते अभी शुरुआती ट्रेंड्स में उसको एक बढ़त दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले हम भी 100 के आंकड़े के पार थे, तो मुझे लगता है 11:30 तक स्थिति साफ हो जाएगी, उसके बाद डिटेल में विश्लेषण करने का। कांग्रेस पार्टी ने अगर तुष्टिकरण का टेम्पलेट बनाया तो आपने उस टेम्पलेट को ध्वस्त करने की बात की, आपने रिजर्वेशन हटाने की बात की, आपने उसे बाकी लोगों में बांटने की बात की, फिर वो टेम्पलेट क्यों नहीं काम कर रहा आपका? देखिए, मुझे लगता है क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसका विश्लेषण तो हम ईमानदारी से 11:30-12 बजे ही कर पाएंगे। अभी ये जो ट्रेंड्स है, ईवीएम के कई राउंड गिने जाते हैं, हम पहले राउंड पर हैं। मुझे नहीं लगता 224 सीट में पहला राउंड भी कंप्लीट हुआ होगा काउंटिंग का, तो जहां पर 15-16-20 राउंड काउंटिंग होनी है वहां पर एक राउंड पर क्या चला नहीं चला, मैं इस पर अभी इतना विश्लेषण करने की स्थिति में नहीं हूं। ठीक है, मैं आपसे जरूर कह सकता हूं कि शुरुआती ट्रेंड से ये जाहिर है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो हवा कांग्रेस ने खड़ा किया था वो कहीं पर भी दूर दूर तक नहीं है। लेकिन शहजाद, यहां पर एक फैक्टर है, अभी मैं अपने रुझानों पर जाऊंगा, मैं अपने चैनल पे जो रुझान आ रहे उस पे जाऊंगा, तो यहां पर एक बहुत ही डिसाइसिव चीज वो ये है कि जो पोस्टल बैलेट में दिखाई दे रहा था उस पर कांग्रेस ने सिर्फ कंसोलिडेट ही किया है। मतलब वो पोस्टल बैलेट में जो ट्रेंड दिखाई दे रहा था वही ट्रेंड अभी दिखाई दे रहा है, और ऐसा यूजुअली कम होता है। तो ये आपके लिए एक इंट्रोस्पेक्शन का मौका होगा। खैर, रिजल्ट के बाद आप कह रहे हैं। जीतू पटवारी हमारे साथ हैं। जीतू जी, एक वाक्य, केवल एक वाक्य बोल सकता हूं? एक वाक्य, शो बिल्कुल। जब मैं इस चैनल पर बैठा उस समय पर कांग्रेस 135 पर थी, अब मैंने एक दो वाक्य बोले हैं कांग्रेस 124 पर है। हाँ, लेकिन दो तीन वाक्य बोलेंगे 113 पर भी आ लेकिन लेकिन तो लेकिन ऐसा मुझे होता अभी तक तो नहीं दिख रहा है, अगर आगे हो जाएगा तो मुझे पता नहीं कि शहजादी कहेंगे मुझे और चार वाक्य बोलने दीजिए। हाँ, कि पता चला कि आपने, आप बोल रहे हैं कि मैंने निशांत अभी थोड़ी दो तीन सांसें ली और कांग्रेस और नीचे आ गई, ऐसा मुझे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर, जीतू पटवारी जी हमारे साथ हैं। जीतू जी, अभी का जो ट्रेंड चल रहा है उसके लिए पहले तो मैं आपको बधाई दे देता हूं अभी तक के ट्रेंड के लिए, अभी तक के लिए ट्रेंड के लिए। लेकिन मेरे लिए एक बिग पिक्चर में बड़ा सवाल यह है, इस बार जो फॉर्मूला यहां पर काम किया वो फॉर्मूला काफी हद तक हिमाचल से भी इंस्पायर्ड दिखाई दे रहा है। क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में भी आप लोकल लीडरशिप को ज्यादा प्रमोट करेंगे, उनकी ज्यादा सुनेंगे, पावर उनके हाथ में ज्यादा रहेगी, और क्या यही लोकसभा में भी ट्रांसलेट होता दिखाई देगा? मेरा थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सवाल है ये। सर, आपका आपका जो ऑडियो है वो म्यूट है, उसको अनम्यूट कर दीजिए और फिर से अपने जवाब को प्लीज शुरू करिए। जीतू पटवारी जी, आपका जो ऑडियो है वो म्यूट हो रखा है, उसको अनम्यूट करके आप मेरे सवाल का जवाब फिर से दे दीजिए सर। चलिए जीतू जी, मैं चाहूंगा आप अपना जो ऑडियो है उसे अनम्यूट कर लें, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। लेकिन शहजाद, बात यहां पर यह भी हो रही है कि मुस्लिम वोट बैंक का जहां तक सवाल है, 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात कहकर आप लोगों ने भी मुस्लिम वोट बैंक को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कंसोलिडेट कर दिया, यह भी नजर आ रहा है। ओल्ड मैसूरू से जेडीएस को साफ करके कांग्रेस पार्टी यहां की सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है।
बिग ब्रेकिंग न्यूज के बाद जवाब आप कर्नाटक के कोपल से कांग्रेस के राघवेंद्र आ गए जी शहजाद अब जवाब दे सकते हैं आप कि ऐसा है समीर जी कुछ विषय राजनीति के नहीं ये राष्ट्र नीति के होते हैं क्या संविधान में धर्म के आधार पर परिकल्पना है आरक्षण की ये बाबा साहेब अंबेडकर की मूल विचारधारा के शुद्ध रूप से खिलाफ है और इसीलिए ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं था जब कोई कहता है कि बजरंग बली डर का नारा है जैसे रहमान खान ने किया ये चुनाव का मुद्दा नहीं ये हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व का मुद्दा है तो उसको चुनाव से ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं और देखिए 118 हो गया कांग्रेस 135 पे शुरू हुआ था 118 हो चुकी है दूसरे चैनलों को भी मैं मॉनिटर कर रहा हूँ वहां पर कांग्रेस बहुमत से कम है शहजाद तो मुझे लगता है कि ठीक है आपने जो बताया देखिए इसमें मेरे पास ये सारे विश्लेषण इसमें थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी मैं आपसे इसमें एक सवाल और पूछना चाह रहा था लेकिन कांग्रेस के हमारे साथ नेता है उनको एक भी जवाब नहीं मिला अभी तक वो दे पाए जीतू जी क्या आप मुझे सुन सकते हैं बल्कि क्या हम आपको सुन सकते हैं मेरा सवाल ये है पहले आप जरा कुछ बोलिए हम आपको सुनना चाह रहे हैं क्योंकि आपका ऑडियो म्यूट था जीतू पटवारी जी जी हाँ बस बहुत बढ़िया सर अब मेरा सवाल आपसे ये है आज तो आपको खास तौर पे हाँ और आज तो हम चाहते हैं कि आप लोग अनम्यूट ज्यादा रहें लेकिन सर मेरा सवाल आपसे ये है हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा हिमाचल में मेरा फ्यूचरिस्टिक सवाल है सर आप बता सकते हैं क्या हुआ यू आर फ्री टू डू इट बट फ्यूचरिस्टिक सवाल है हिमाचल में स्टेट लीडरशिप ने काम किया कर्नाटक में स्टेट लीडरशिप ने काम किया क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में हम देखेंगे कि स्टेट लीडरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और क्या यही लोकसभा में भी ट्रांसलेट होगा कांग्रेस की तरफ से समीर मैं अनुरोध ये कर रहा था आपकी पूरी बात मैं आधे घंटे में सुन रहा हूँ जीतू जी हम जश्न भी दिखा रहे हैं साथ में तो वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें ये बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं उसकी तस्वीर देखिए अल्लाह उसका रंग लाया है अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और इसके साथ साथ हमारी जो कांग्रेस पार्टी जो एमएलए कैंडिडेट ठीक है जीतू पटवारी जी माफी चाहूंगा बहुत इंटरप्शन आ गए बीच में लेकिन आपकी पार्टी का जश्न है वो भी दिखाना जरूरी है अब मुझे बताइए हमारे सवाल का जवाब मैं आपसे अनुरोध ये कर रहा था कि पिछले 5 साल में 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है जिसमें से कई राज्यों में फिर दल बदल करवा के सरकारें तोड़ के भारतीय जनता पार्टी बैठी है उसमें से कर्नाटक भी एक राज्य भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं था ये जीती भी नहीं थी ये लूटी भी सरकार की मुखिया थी भारतीय जनता पार्टी तो लूट की सरकार को जनता ने वापस जिसकी सरकार थी उसको दिए सर देखिए ये तो आपने अपनी भड़ास निकाल ली मेरा सवाल था स्ट्रैटेजी के ऊपर अब वो भी बता दीजिए मेरा भड़ास नहीं निकाली आप तो उत्तर पे ही आ रहा हूं मैं मेरा अनुरोध ये है कि लोकतंत्र में उस मर्यादा को जिसको जनता जनादेश देती है उसका सम्मान करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया है दूसरी लाइन इसमें यह है कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग इक्वेशन होती है यहाँ राहुल जी ने प्रियंका जी ने सोनिया जी ने खड़गे जी ने नेशनल लीडरशिप थी उन्होंने कैंपेन में अपनी जान झोंक दी थी तो ये कहना कि स्थानीय लीडरशिप को या लोकल स्टेट की लीडरशिप का ही पूरा श्रेय जाता है बिल्कुल जाता है पर उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी एक नहीं जीतू जी एक बात बताइए क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर वो सांप वाला बयान नहीं आता अगर ये वो वाला बयान नहीं आता जो 2013 में हमने रिजल्ट देखा था वो हो सकता था भाजपा के साथ नहीं विषय ये है कि जो भी बयान आए जो भी बातें हुई जो भी भावनाएं आई जिसमें बोलने का मतक के क्या था संभावना क्या थी और उसको मैनिपुलेशन किस तरीके से किया गया पोलराइजेशन कैसे हो ये भाई साहब कह रहे थे तुष्टीकरण की राजनीति को सांप बोला जाएगा तो उसमें भावना और मैनिपुलेशन क्या होगा जीतू पटवारी जी एक बड़ी खबर आ रही है पहले बता देते हैं फिर उस पर आपसे सवाल भी लेंगे सिद्धरमैया के बेटे यतीन्द्र ने कहा है कि सिद्धरमैया जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे सिद्धरमैया को दोबारा सीएम बनना चाहिए सिद्धरमैया खुद भी कह चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है यानी उन्होंने भी अपनी पिच सामने रख दी है मेरे पिता का पिछला कार्यकाल शानदार था उन्हें ही एक बार फिर मौका मिलना चाहिए क्या उन्होंने कहा है पहले सुन लेते हैं फिर इस पर जीतू पटवारी जी से बात करेंगे In the last regime, he had given a very good governance, and this time also, if he becomes a chief minister, whatever the corruption and the misrule the BJP government had given, those things will be get corrected by him. So, in the interest of the state also, I think he should become CM. जीतू पटवारी जी देखिए जैसे ही ये बढ़त मिली है आप इस आंकड़े तक पहुंचने की भी तस्वीर दिखाई दे रही है ये तस्वीर भी सामने आ गई है तो क्या अब ये भी शुरू हो जाएगा रस्ता कशी कौन होगा मुख्यमंत्री
नहीं, उन्होंने एज ए कार्यकर्ता, एज ए पुत्र क्या गलत बोला? उन्होंने कहा मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक नंबर कार्यकाल था, करप्शन रहित सरकार दी थी, यही तो कांग्रेस पार्टी बोल रही है उन्होंने। लेकिन इस बार थोड़ी रस्ता कशी नजर आ रही है ना जीतू, आप तो ये भली बात ही समझते हैं। हम क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, सिद्धरमैया या डीके शिव कुमार, दोनों में से कौन? समीर, जब इलेक्शन चल रहे थे तो आपको रोज ये लगता था कि आज मोदी जी ने ऐसा किया, आज उनने ऐसा किया, इतना आसपास रहेगी जेडीएस को, इस तरीके का अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। हाँ। वो कयास समाप्त तो होते दिख रहे हैं। ऐसे ही मुख्यमंत्री पद के लिए आपके जितने कयास हैं मीडिया के, बीजेपी सर, हमारा कोई कयास नहीं है। मैं आपसे सीधे सीधे सवाल, मैं एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, आप लोग यही कहते हैं? कांग्रेस पार्टी में फाइनल फैसला आलाकमान करता है, आप लोग यही कहते हैं? उस कांग्रेस पार्टी में एक पिता का बेटा ये बोलता है कि मेरा ही पिता मुख्यमंत्री बनेगा, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने बनना चाहिए, बनेगा, ये दो शब्दों चलिए, आपने मुझे पकड़ लिया। बनना चाहिए, ये उम्मीद जताने की अभी क्या जरूरत है? अभी तो जश्न मनाने की जरूरत है ना। उन्होंने ये, मैं आपको इसको, आपको अनुशासन, आपको उसकी मर्यादा, हमारी पार्टी की चिंता, इसके लिए धन्यवाद आपको, पर मैं आपसे अनुरोध ये करना चाह रहा था। नहीं, मैं तो बस सर, मैं तो उन भावनाओं को आपको याद दिला रहा हूँ, चिंता आप करिए, मेरा गम नहीं है। शहजाद इस पर कुछ कहना चाहते हैं, शहजाद की बात सुन लेते हैं इस पर, शहजाद प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। जी शहजाद, पहले तो आप सभी महानुभावों के सामने जीतू जी ये बोल दे कि ईवीएम पर आज भरोसा है या नहीं है, और दूसरी बात, कांग्रेस की तो प्रवृत्ति पुरानी है, गांव बसने के पहले ही ये लुटेरे आ जाते हैं। ये गांव अभी बसा नहीं है, किसको लूटना है? ये आईएनसी का मतलब आई नीड चेयर है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड कमीशन। जीतू पटवारी जी, जीतू पटवारी जी, जनादेश का सम्मान तो होना चाहिए ना शहजाद, जनादेश का सम्मान तो होना चाहिए। ज्यादा जो ज्ञान इनके अंदर से उगे उफल ना है उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। मैं अनुरोध सिर्फ इतना कर रहा था कि आईएनसी का मतलब क्या है या कांग्रेस का मतलब क्या है, बीजेपी का ईवीएम पर भरोसा है जीतू भाई? मैंने अनुरोध, जीतू भाई आज ईवीएम ठीक है? अरे शहजाद पूनावाला जी, लोकतंत्र होता है भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, एक विश्वास जब तक जिस चीज पे नहीं रहता। लेकिन आप सभी को मैं बताऊंगा शहजाद जी, आपकी बात अभी थोड़ी बहुत ठीक लग रही है मुझे, लेकिन ये नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा चेंज आएगा। जीतू भाई मैं आपको रोक रहा हूँ, जीतू जी मैं आपको रोक रहा हूँ। यहाँ पर अभी इस वक्त का जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो एकदम से चेंज हुआ है, 82, 114, 23 and 5, जो 130 के आसपास, 125 के ऊपर था वो एक बार इस वक्त सामने आपके सामने आ रहा है। बीजेपी 82, कांग्रेस 114, जेडीएस 23, यानी जो जेडीएस के लिए मैं कह रहा था वो भी चेंज हो गया। सुमेरा वोट प्रतिशत भी बता देते हैं, देखिए वोट प्रतिशत बीजेपी को 37.4%, कांग्रेस पार्टी को 44.4%, बड़ी बढ़त है कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में। जेडीएस की जो गिरावट है वो दिखाई दे रही है 10.5%, और अन्य के खाते में 7.7%। लेकिन सीधे पार्था का रुख कर लेते हैं, ये जो आंकड़े हैं पार्था, एक बड़ा सवाल मेरी तरफ से भी, कुमारस्वामी चुनाव हार जाएं और जेडीएस को इस तरह की सीट मिले, ये क्या तस्वीर है? जेडीएस के बारे में पूछ रहे हैं, यानी यहाँ पर ओल्ड मैसूरू रीजन की तुरंत बात कर लेते हैं जल्दी से। रीजन वाइज सुमेरा हम आप लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, और ओल्ड मैसूरू रीजन में यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा, यहाँ पर दिलचस्प नतीजा आ रहा है, रुझान जो दिखा रहे हैं यहाँ पर जेडीएस के गढ़ में, कांग्रेस देखिए कितना ज्यादा यहाँ पर दिख रही। पार्था बताइए, देखिए इधर जेडीएस भी उतना खराब नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, आप देखिए जो ग्रीन कलर का है, आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो बेल्ट में जेडीएस उतना खराब नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, लेकिन पहले इधर राजेंद्र जी ये कैमरा दिखाइए, 2018 का अगर कंपैरिजन देखें, जो यहाँ पर पूरा ये ग्रीन देख रहे हैं, एक या दो सीटें यहाँ पर बीजेपी की देख रहे हैं, 6-7 सीटें यहाँ पर आप कांग्रेस की देख रहे हैं, आप अगर उसको कंपेयर करें तो यहाँ पर तो सब ब्लू ब्लू दिख रहा है। उससे तो बीजेपी का भी कम हुआ, जेडीएस का भी कम हुआ। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है जेडीएस का एरिया में साफ हो रहा है, वो मेरा पॉइंट है। बिल्कुल नहीं, लेकिन कम हुई है सीटें। अभी एक बार एक चीज और यहाँ पर ओल्ड मैसूरू में एक चीज और बात कर लेते हैं, यहाँ पर डीके शिव कुमार के बारे में अभी आप बता रहे थे कि वो मैसूर विक्ट्री की तरफ अभी तक के ट्रेंड्स में दिख रहे हैं, और बीजेपी के कैंडिडेट को बहुत कम वोट मिल रहा है। वोट शेयर एक बार कर लेता हूं, आप अगर वोट शेयर देख लेंगे तो ये देखिए, जल्दी आते हैं, इधर आते हैं, ये देखिए 2023 का वोट शेयर ओल्ड मैसूर रीजन में, पहले था 34, हां जंप हो रहा है 42,
मतलब 8% वोट बढ़ गया, 8% जाम हो रहा है ओल्ड मैसूरू में, जहां पर आती है यहां पर ओल्ड मैसूरू में 55 सीटें, सबसे बड़ा रीजन है जो वहां पर कांग्रेस को 8% वोट अभी तक ज्यादा मिलता दिख रहा है, मिल रहा है। और देखिए जेडीएस का 38 से 28, ठीक है, जेडीएस को करीब 10% वोट कम हो रहा है, यानी कांग्रेस में साफ साफ जेडीएस का वोट ज्यादा दिख रहा है। और बीजेपी भी देखिए थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा है, 17.5 to 20 to 4% जंप कर रहा है, यानी सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को, और थोड़ा बहुत जो वोका लीगा वोटर्स का गढ़ है वहां पर बीजेपी को थोड़ा फायदा अभी तक के ट्रेंड्स में हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जल्दी से बेटा मिश्रा जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कर्नाटक में हिस्ट्री जो है वो बन गई है? क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिकली पूछूं आपसे तो पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ही लीड कर रही थी। डेटा मुशाय जी, निशांत आपसे पूछ रहे हैं यहां पर कि क्या यहां पर पिछले चुनाव का ट्रेंड्स यहां पर देख रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरा गौरव सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या कर्नाटक ने हिस्ट्री जो है वो बना दी है? क्योंकि पिछले चुनाव में प्रैक्टिकली मैं टैक्टिकली और टेक्निकली बात नहीं कर रहा हूं, पिछले चुनाव में प्रैक्टिकली कांग्रेस लीड ले रही थी। और उस इस बात पे बात था जवाब, तो उससे पहले एक बड़ी खबर, कांग्रेस अब ट्रेंड्स में बहुमत से नीचे आ चुकी है। बड़ी खबर देखिए, अभी तक कांग्रेस जो बढ़त बनाई हुई थी 130+ चली गई थी, अब रुझानों में कांग्रेस बहुमत से पीछे आ गई है। बीजेपी 84 सीटों पर आगे दिख रही है, और शहजाद पूनावाला कुछ कह रहे हैं, इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। शहजाद, अब आपको क्या ज्यादा जोश आ रहा है? क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि जब आप बैठे थे स्क्रीन पर तब कांग्रेस की कुछ सीटें थी और अभी कुछ है, बताइए अब क्या कहेंगे, कांग्रेस बहुमत से पीछे रुझानों में? देखिए, मेरी सारी बातें इस चैनल पर सत्य स्थापित हुई है, और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो वोट शेयर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो बीजेपी के लिए, इस वोट शेयर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप 12 बजे तक रुकिए, मैं अभी भी कुछ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 12 बजे आप रुकिए और देखिए, क्योंकि मैंने जो बोला 135 से 111 आ गई कांग्रेस, सही हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ 12 बजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। शहजाद, इसकी ये वजह तो नहीं कि आपको बोलने का ज़्यादा मौका मिल गया, जीतू भाई को कम? आपको देना चाहिए, जब भी मैं बोलता हूँ मेरी पार्टी बढ़ती है। जीतू पटवारी जी का ऑडियो खुद ही म्यूट था। Yes. वो जो सेल्फ गोल थे, क्या वही वो खुद ही जिम्मेदार, उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। देखिए देखिए देखिए, अभी जो आंकड़ा आ रहा है शहजाद, अब देखिए आपने ना ट्रेंड थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। अब कांग्रेस 118 पर वापस आ गई है, बीजेपी 78 पर है, बहुमत के ऊपर फिर से कांग्रेस चली गई है, बीजेपी 78 पर है। शहजाद, आप अपना वोटिंग परसेंटेज देख रहे हैं, शायद कांग्रेस का इग्नोर कर रहे हैं, जो कि 44% है, 44% जो कि बहुत बड़ा नंबर है। बहरहाल, जेडीएस 24, कुमार स्वामी जीत रहे हैं हार रहे हैं ये मुझे पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरे राउंड में वो पीछे चल रहे थे। अभी बड़ी खबर, बीजेपी 78, कांग्रेस 118, जेडीएस 24, अदर्स 4, TV9, भारतवर्ष आपके सामने रियल पिक्चर लेकर आ रहा है, और एक एक आंकड़ा स्क्रीन पर, कोई इधर उधर की बात नहीं। कुमार स्वामी भी मंदिर पहुंच गए हैं, अब ये देखिए मंदिर पहुंचे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये किसके लिए पहुंचे हैं? किंग मेकर बनने के लिए, किंग बनने के लिए, या कम से कम अपनी सीट बचाने के लिए? देखिए, कुमारस्वामी तो यही उम्मीद कर रहे थे, यही दुआ कर रहे थे, यही प्रार्थना कर रहे थे कि त्रिशंकु विधानसभा हो जाए, लेकिन उसके आसार बनते हुए रुझानों में तो कम से कम यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। बीजेपी 77, कांग्रेस 117, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यूपी की, सीधे आइए यूपी निकाय चुनाव में क्या हो रहा है, कहां पर क्या क्या हो रहा है। यूपी मेयर 17 में से जो हमारे पास जो अभी तक आप रुझान आ रहे हैं उसमें ये देखिए, अब आप सीधे किसके कितने मेयर, 17 में से ये देखिए, अब सहारनपुर बीजेपी, मेरठ एसपी, गाजियाबाद बीजेपी, मुरादाबाद बीजेपी, बरेली बीजेपी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सहारनपुर में बीजेपी, शाहजहांपुर में बीजेपी, कानपुर में बीजेपी, ये अभी स्टार्ट है, रुझान है। मेरठ में सपा, अलीगढ़ में बीजेपी, झांसी में बीजेपी, फिर ये देखिए गाजियाबाद में बीजेपी। मैं निकाय चुनाव की बात कर रहा हूं, 17 में से 17, सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। और ऊपर ये देखिए कर्नाटक की मैं बात कर रहा हूं, ये कर्नाटक है, यहां पर यूपी है, वृंदावन मथुरा बीजेपी, प्रयागराज बीजेपी, यहां पर अब ये देखिए मुरादाबाद बीजेपी, आगरा बीएसपी, बरेली बीजेपी, फिरोजाबाद बीजेपी, अयोध्या बीजेपी, और ये देखिए नीचे गोरखपुर बीजेपी, वाराणसी
बीजेपी नीचे दिखाइए जरा, जो कैमरा पर्सन है नीचे दिखाइए, गोरखपुर बीजेपी, वाराणसी बीजेपी, यानी मेरठ में एसपी दिखाई दे रही है, आगरा में बीएसपी दिखाई दे रही है, 17 में से 15 का स्कोर अभी बीजेपी का चल रहा है ये हमारे सामने। ऊपर देखिए कर्नाटक आपके सामने 78, 116, 26, और यूपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर समीर। बिल्कुल देखिए बड़ी खबर जो आ रही है वो रही आपके सामने ये, यूपी मेयर चुनाव में बीजेपी को भारी बढ़त। जैसा कि निशांत ने आपको बताया 17 सीटों के रुझान हमारे पास आ चुके हैं, 17 में से 17 के, और 17 सीटों में से 15 पर बीजेपी अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है, भारी बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। एक सीट, सिर्फ एक सीट, मेरठ की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई और आगरा की सीट बीएसपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी सुमेरा 17 में से 15 मेयर बीजेपी के बनने के आसार। जी हाँ, आसार तो ये दिखाई दे रहे थे कि शायद 17 के 17 उनके बन जाते, लेकिन फिलहाल एक एक सीट एसपी और बीएसपी के पास जा रही है 17 में से। लेकिन बड़ी बातें क्या है, बड़ी तस्वीर क्या है ये वो आपको बता देते हैं। यूपी निकाय चुनाव में जो बड़ी तस्वीर उभर रही है उसमें 17 मेयर में से 15 पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। 199 नगर पालिका में बीजेपी और एसपी को टक्कर के बीच टक्कर दिखाई दे रही है। नगर निगम में बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा है पालिका में, लेकिन नगर पालिका में कांटे की टक्कर है। यूपी निकाय चुनाव में 17 मेयर में से 15 पर बीजेपी आगे है और एक एक सीट समाजवादी पार्टी और बीएसपी के खाते में जा रही है। लेकिन निकाय चुनाव में जो अभी तस्वीर है उसमें मेयर के पद के लिए पूरी तरह से बहुमत बीजेपी का दिखाई दे रहा है, यानी बीजेपी को बड़ी बढ़त है। लेकिन जो नगर पालिका है वहां पर कांटे की टक्कर है। क्या इसे शिवरंजन जी इसको किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि सिर्फ दो सीट है मेयर में, क्या ये अर्बन और रूरल का फैक्टर भी है कि अर्बन सीट है तो वो पूरी तरह से बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, सिर्फ एक एसपी बीएसपी के पास है, लेकिन नगर पालिका में कांटे की टक्कर है समाजवादी और बीजेपी में। नहीं, इसमें थोड़ा सा ऐसे भी देखना होगा, नगर पालिका का जो चुनाव होता है वो नगर निगम की तुलना में ज्यादा स्थानीय मुद्दों पर होता है, ये स्वाभाविक है। अगर 15-16 भी हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन नगर पालिका बहुत छोटे शहरों का चुनाव होता है और स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नेता, स्थानीय लोग प्रभावी होते हैं। कई जगह पे भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बागी के रूप में चुनाव लड़ रहे होते हैं, तो ऐसे में नगर पालिका को नगर निगम से अलग अलग देखना चाहिए। जावेद अंसारी साहब, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, यू वांटेड टू से समथिंग ऑन दिस? नो। अच्छा, तो ये हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ गए, पुष्पेश पंजी, लेकिन ये जो तस्वीर है, क्या बीजेपी का जो बड़ा प्लैंक था एक, और जो योगी आदित्यनाथ का बड़ा प्लैंक था कि कानून व्यवस्था मेरा बड़ा मुद्दा है, और क्या उसकी वजह से हम शहरों में मेयर की सीट पर इस तरह का नतीजा देख रहे हैं बीजेपी का? देखिए, मुझे लगता है कि जैसा उन्होंने कहा कि हर स्टेट का अलग नक्शा होता है, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत लोकप्रियता, जिस तरह से भी वो तोड़ाई कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं, उसके प्रति एक समर्थन शहरी मतदाता वर्ग में, ये उसका नतीजा सामने आता नजर आ रहा है। इसको हम आज विश्लेषण कर्नाटक के साथ कर रहे हैं, मगर एक जोड़ कर लेकिन रामकृपाल जी, क्या आप ये बात मानेंगे कि यूपी में कानून व्यवस्था क्योंकि एक बड़ा मुद्दा रहा, आमतौर पर निकाय चुनाव में जो बहुत माइन्यूट लोकल लेवल के मुद्दे होते हैं उनसे आगे बढ़कर कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बन गया, जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने कहा था मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को और अब मिलाया जा रहा है, इसने असर किया क्या? जी रामकृपाल जी, मैं माफी चाहूंगा, आपके ऑडियो में कोई इश्यू आ रहा है, इस त्रुटि को हम ठीक करके आपके पास वापस आ रहे हैं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है बार बार, और ये सवाल का जवाब मैं शिवानंद जी से लेना चाहूंगा। शिवानंद जी प्लीज एकदम बेबाकी से बोलिएगा, मुझे एक बात बताइए, कर्नाटक में जो हुआ उसको क्या कॉम्पनसेट किया जा सकता है यूपी से बीजेपी के लिए? नहीं, दोनों अलग चुनाव है। नहीं, मैं कॉन्सोलेशन की बात कर रहा हूँ, दोनों अलग चुनाव हैं, और कर्नाटक में जो हुआ, चूंकि मैं इस बात को रखना चाह रहा था, अभी जो वोट शेयर का आंकड़ा कर्नाटक का आ रहा है 37% से कुछ ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास है, और कांग्रेस को लगभग 6% ज्यादा वोट 160 सीटों के जो इलेक्शन कमीशन के रुझान है उसमें दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो 1999 के बाद सिर्फ दो चुनाव ऐसे रहे हैं, 2008 और 2018, जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ज्यादा सीटें हासिल की है।
लेकिन दोनों चुनावों में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है वो कांग्रेस से कम रहा है वोट शेयर के मामले में। इस बार जेडीएस का वोट शेयर देखना होगा क्योंकि जेडीएस 18-20% वोट पाती ठीक है। लेकिन लेकिन यूपी के निकाय चुनाव के रुझान हमारे सामने हैं। नावेद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नावेद साहब, इतनी बुरी हालत, 17 में से 17 सीटों के रुझान हमारे सामने है, 15 पर बीजेपी आपकी पार्टी एक सीट पर एक मेयर बनवाता हुआ सिर्फ नजर आ रही है समाजवादी पार्टी और नैपकिन भी। देखिए अभी थोड़ा सा वक्त दीजिए, अभी शुरुआत है, थोड़ा सा वक्त दीजिए। हमें पूरा यकीन है कि ये सफाई का चुनाव है, जैसा कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये कहा था कि कचरा हटाना है और वगैरह वगैरह, कुछ अल्फाजों का इस्तेमाल किया था उन्होंने। तो अभी थोड़ा सा हम, मेरे ख्याल से अभी बहुत जल्दी होगी। ठीक है, आप कह रहे हैं जल्दी है, लेकिन लेकिन नावेद साहब यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट है, 224 पर 224 सीटों के रुझान हमारे सामने, लेकिन ऊपर देखिए आप, 111 कांग्रेस 111 यानी 113 से बहुमत के आंकड़े से दो सीटें कम। जेडीएस 30 पर आ गई है, जेडीएस 30 पर आ गई है, और ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सेकेंड या थर्ड राउंड है ईवीएम का, अगर मैं गलत नहीं हूं, यानी कि देर इज स्टिल लॉट पेंडिंग। भले ही बीजेपी पीछे है लेकिन जेडीएस 30 पर आ गई है, ये बहुत बड़ी बात है। 111 पर कांग्रेस, बीजेपी 78 पर, अदर्स 5, ये पूरा मामला बहुत अलग हो रहा है जी। और आइए अब हम आपको कॉम्बिनेशन भी दिखा देते हैं, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है अभी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 111 पर है, देखिए 224 के रुझान और कांग्रेस पार्टी बहुमत से पीछे दिखाई दे रही है, तो क्या होगी तस्वीर और कैसे बन सकती है तस्वीर, देखिए हम हर कॉम्बिनेशन दिखाएंगे। बीजेपी जेडीएस का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या होगा, बहुमत से थोड़ा दूर रह जाएंगे जो अभी की तस्वीर है उसमें, 5 सीट से पीछे रह जाएंगे बीजेपी जेडीएस और अन्य अगर मिल जाते हैं तो क्या तस्वीर होगी। बीजेपी और अन्य के साथ मिलने से जाहिर सी बात है काफी पीछे रहेंगे, बहुमत से 30 सीट दूर रहेंगे, यानी उन्हें जेडीएस की जरूरत पड़ेगी अभी की जो तस्वीर है उसके मुताबिक। लेकिन इसके बाद ये देखिए तस्वीर, कांग्रेस पार्टी और जेडीएस अगर साथ आते हैं तो कंफर्टेबली बहुत आगे तक निकल जाते हैं। कांग्रेस पार्टी अभी भी बहुमत के बहुत करीब है, 111 पर 113 बहुमत के लिए चाहिए। कांग्रेस पार्टी और अन्य मिलकर भी बहुमत पर पहुंच जाएंगे, यानी जेडीएस की जरूरत नहीं होगी जो अभी की तस्वीर है उसके मुताबिक। हालांकि ये तस्वीर लगातार बदल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए है। देखिए एक और तस्वीर देखिए, बीजेपी जेडीएस और अन्य अगर ये मिल जाते हैं तो भी बहुमत हासिल कर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल अभी की जो तस्वीर है उसके मुताबिक बिल्कुल एज पर बहुमत हासिल करते हैं। जेडीएस इसी भूमिका के इंतजार में थी और ऐसा लग रहा है कि इस वक्त उसे वो भूमिका जरूर मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए एक और तस्वीर जहां कांग्रेस पार्टी जेडीएस और अन्य साथ में मिलेंगे तो बहुमत से काफी आगे 146 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं, लेकिन जो तस्वीर अभी दिखाई दे रही है उसमें बहुमत से थोड़ा पीछे जरूर खिसकी है कांग्रेस पार्टी। बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, कर्नाटक के रॉन से जेडीएस के मुकदम साहब आगे, कर्नाटक के हंगल से जेडीएस के मनोहर तहसीलदार आगे। कांग्रेस पार्टी ने भी सभी एमएलए को बेंगलुरु बुलाया है, चौपर और विमान से बेंगलुरु आएंगे एमएलए, यानी सभी एमएलए को इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है। कुमार विक्रांत को बुलाना चाहिए, हमारे जो सहयोगी हैं काउंटिंग सेंटर से ही बेंगलुरु आएंगे एमएलए। ये बड़ी खबर है, कांग्रेस आ गई है पूरी तरीके से सरकार बनाने के मूड में। और ये देखिए 114 कांग्रेस, बीजेपी 75, लेकिन जेडीएस को देखिए, जेडीएस 30, ये बहुत अच्छा नंबर है जेडीएस के लिहाज से अगर देखा जाए, ये बहुत अच्छा नंबर है। अदर्स 5, यानी कि अगर देखा जाए ये कांग्रेस को बहुमत एक बार फिर से हो रहा है, ये बड़ी खबर है। लेकिन जो मेरा यहां पर अभी जो मैं समझना चाह रहा हूं, 2013 में अगर गलत नहीं हो तो बीजेपी को 40 मिली थी जब येदुरप्पा छोड़ के गए थे, यानी कि क्या यह समझा जाए कि लिंगायत जो वोट है वो इनके पास अभी भी है, यह समझने की जरूरत होगी हमें। लेकिन बाकी सारी चीजें इनके खिलाफ चली गई, चाहे वो रिबेल्स हो, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे वो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स हो, वो सारी चीजें अलग चली गई। बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन अलका लांबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अलका जी, कांग्रेस पार्टी को रुझानों में बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे का खेल अभी चल रहा है, लेकिन बीजेपी से अंतर बड़ा है, जीत का सहरा किसके सिर बांधना चाहेंगी अगर ऐसा नतीजों में भी नजर आता है तो? कर्नाटका देखिए, सहरा कर्नाटका के 6,50,00,000 लोगों के सर पर बांधना चाहते हैं, ये कर्नाटका के लोगों की जीत है।
और ये बिल्कुल कर्नाटका के मुद्दों की जीत है। ये उन्हें मैं समर्पित करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, और उन सबको बधाई देती हूँ। ये जीत हमारे लाखों कांग्रेस के पोलिंग बूथ पे बैठे कार्यकर्ताओं की है। श्रीमती सोनिया गांधी जी का अंतिम दिन कर्नाटका की धरती पर कदम रखने से हमारे लाखों कार्यकर्ताओं में एक जोश उत्पन्न हुआ। मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष बनने के बाद उनका गृह राज्य है ये, और उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार वो कांग्रेस को दे रहे हैं, हम सब उनका भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन अभी अभी खबर आई अलका जी, अभी अभी खबर आई कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी विधायकों को बेंगलुरु बुला लिया है, यानी जो जीत रहे हैं उनको बेंगलुरु बुलाया गया है। क्या टूट के भी कुछ आसार नजर आए हैं आप लोगों को, ऐसी कोई आशंका है क्या? नहीं नहीं नहीं, लोगों ने हमें पूर्ण बहुमत दिया है, और भाजपा को कितने पे सिमट रहे हैं शायद 70 पे नहीं मिल रही हैं, सो कोई डर किसी तरह का नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने कर्नाटक के लोगों को कहा था बहुमत नहीं चाहिए, पूर्ण बहुमत से अधिक चाहिए, ताकि भाजपा जो लोकतंत्र की हत्या करे। लेकिन अलका रामा जी, अभी तक जो रुझान है जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, आप बिल्कुल किनारे पर बने हुए हैं, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन अभी भी नहीं है, 114 पर हैं, और एक सीट कभी नीचे कभी ऊपर हो रहा है। हालांकि ये जरूर है कि ये बदलता रहेगा अभी कुछ देर के लिए। मैं पहले एक बड़ी खबर ले लेते हैं, फिर वापस आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, सभी विधायकों को बेंगलुरु बुलाया गया है। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की कल बैठक होगी। हमारे साथ कुमार विक्रांत भी जुड़ गए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए। कुमार विक्रांत, अभी जो तस्वीर उभर रही है उसके बाद सभी को बुला लिया गया है बेंगलुरु, क्या डर भी है कुछ कि सबको एक साथ रखा जाए? ये देखिए, कांग्रेस पार्टी को ही लग रहा था कि उनको बहुमत मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है, लेकिन कहीं आंकड़ा 110, 112, 113 के आसपास रहता है तो उसको ऑपरेशन कमला का डर रहता है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सभी विधायकों को कहा कि जैसे ही आप चुनाव जीतें बेंगलोर आइए, आपके पास साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, तो हेलीकॉप्टर्स के वगैरह के इंतजाम भी कांग्रेस पार्टी की ओर से किए गए हैं कि सभी विधायकों को जल्दी से जल्दी लाया जाए और एक जगह रखा जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर रंग बिखेरे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर, महिला कार्यकर्ता है, नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कहेंगी? कुमार विक्रांत, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, यहां पर ये बड़े दिन के बाद कांग्रेस में इतना जोश दिखाई दे रहा है, हालांकि हिमाचल में भी दिखाई दिया था, लेकिन राहुल गांधी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये जोश देखते बनता है वहां पर। मुझे बताइए कुमार विक्रांत, बहुत जरूरी सवाल है, सिद्धरामैया के जो पुत्र हैं वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे पिता ही बने मुख्यमंत्री, क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में लाइंस ऑफ डिविजन दिखाई दे रही हैं, क्या ये समझा जाए? निश्चित तौर पर अगला बड़ा सवाल यही अगर कांग्रेस को बहुत मिलता है, क्योंकि अगर डीके शिवकुमार के जो भाई हैं डीके देखिए, और ये तस्वीरें बड़ी अहम है, बीएस येदियुरप्पा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं इस वक्त, जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं उस पर पैनी नजर बनाई हुई है बीएस येदियुरप्पा ने। समीर, बहुत स्टेक है येदियुरप्पा के ऊपर इस वक्त का ईसीजी भी दिखा देते हैं। देखिए इस वक्त का ईसीजी, यानी 10 बजे का ईसीजी क्या कहता है। फिलहाल 10 बजे का ईसीजी भी एक बार फिर देखिए उसी तरह की तस्वीर दिखाएगा। कांग्रेस पार्टी का कुछ डिप हुआ था, यानी 9:30 से 10 के बीच में थोड़ा नीचे गई, लेकिन फिर वापस ऊपर की तरफ है। यानी अभी भी ईसीजी जो सुबह से अभी तक जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें ऊपर की तरफ बनी हुई है। बीजेपी भी एक स्टेडी जो उनका 75-76-80 के बीच, वहीं पर उनकी जो तस्वीर है वो उभर कर सामने आ रही है। जेडीएस ने लेकिन कुछ बढ़त हासिल किया, देखिए जहां शुरुआत हुई थी उनकी वहां से कुछ ऊपर की तरफ बढ़े हैं, 28 सीट तक पहुंचती हुई जेडीएस दिखाई दे रही है। अलका लामा हमारे साथ मौजूद है। अलका लामा, ये जो तस्वीर अभी उभर कर दिखाई दे रही है इसमें एक बार फिर वही बात हो रही है, अभी कुमार विक्रांत भी कर रहे थे कि कुछ अगर पीछे रह जाते हैं तो फिर तस्वीर किस तरह की होगी, फिर क्या कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी सोचेगी? देखिए हमें पूरा विश्वास है
कांग्रेस पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार बनाने जा रही है। इसमें कोई इफ बट है ही नहीं, मैं उस मामले में जा ही नहीं रही। आप देख रहे हैं कि भाजपा 70 तक रुक रही है और कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा छू गई है। 8 बजे गिनती शुरू हुई, 10 बजे हैं, अभी एक दो घंटे रुकिएगा, बिल्कुल आपको साफ पिक्चर समझ आ जाएगा। अच्छा मुझे अलका लांबा जी एक बात बताइए, अभी 115 पर कांग्रेस, क्या रुझान साफ तौर पर ये क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं कि सिद्धरमैया साहब मार्गदर्शक मंडल में तो नहीं जा रहे? नहीं, देखिए विधायक जो चुनकर आएंगे उन्हें बेंगलोर बुलाया जा रहा है, केसी वेणुगोपाल जी हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बेंगलोर हैं, सब विधायकों से बात होगी, सब सहमति जो बनेगी जिसके नाम पर उस पे मोहर पार्टी लगाएगी। नहीं लेकिन एक बात और कही जा रही थी अलका जी एक बात और कही जा रही थी कि क्योंकि डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया में थोड़ी सी खींचतान है सीएम की कुर्सी को लेकर, इसलिए फॉर्मूला ये बन सकता है कि भाई पहले सिद्धरमैया 2.5 साल रहे और उसके बाद 2.5 साल डीके शिवकुमार, क्या ये संभावना है? नहीं ऐसी कोई चर्चा इस स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं है। डीके शिवकुमार जी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और सिद्धरमैया जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जो काम किए उसके ऊपर मोहर लगी और दोनों ने मिलकर एक साथ इस चुनाव को लड़ा और पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और जीत का सहरा जो है, अगर मैं क्षेत्रीय नेतृत्व की बात करूं तो दोनों और कार्यकर्ताओं, लाखों बूथ पे बैठे कार्यकर्ताओं के सर पर बांध रहा है। अलका लांबा जी, लेकिन अभी जो जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें लगातार ये चर्चा भी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी ने एक लंबा कैंपेन चलाया पिछले एक साल से, भारत जोड़ो यात्रा भी इसके दौरान हुई, उसका भी लगातार ये कहा जा रहा है कि लाभ मिला क्योंकि लंबे समय तक कर्नाटक में रही, लेकिन आखिर में अगर वो कुछ जो बयान थे वो ना दिए जाते तो क्या इससे बेहतर तस्वीर हो सकती थी? आपको लगता है कि एंड में उस मोमेंटम को आखिर तक उस तरह से नहीं ले जा पाए, इस वजह से क्या और बेहतर तस्वीर दिख सकती थी या उससे या यही है बेस्ट पॉसिबल? ये बेहतर से भी बहुत बेहतर है, मैं कहूंगी हमारी उम्मीदों से बहुत बेहतर है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार कर्नाटक में, दिल्ली में पूरी ताकत झोंकी हुई थी और हम निहत्थे थे, हमारे साथ चुनाव आयोग कहूं, प्रशासन कहूं, किसी तरह से हमारे पास वो ताकत नहीं थी। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सब चुनाव छोड़ के, मणिपुर छोड़ के, सरहदें छोड़कर चुनाव में थे। कांग्रेस सिर्फ संगठन के दम पर चुनाव लड़ रही थी। उम्मीदों से बहुत ज्यादा कर्नाटका ने दिया है और अब हमारी बारी है कि हम कर्नाटका से की गई एक एक गारंटी के ऊपर तुरंत उन्हें उसका लाभ पहुंचाएं। भारत जोड़ो यात्रा की बात करेंगे, बिल्कुल भाजपा इस पे सवालिया निशान खड़ा करती रही। भाजपा ने बिल्कुल अपने राज्य में इस यात्रा को फेल करने की कोशिश की। 20 दिन कर्नाटका में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चली, 20 लाख से 30 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। मुद्दे तब भी वही थे, बेरोजगारी, महंगाई, किसानी, भ्रष्टाचार, जो इस चुनावों में थे, लेकिन भाजपा और प्रधानमंत्री जी के लिए सबक है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे चुनाव को मुद्दों से भटकाकर इसे धर्म पर लाने की कोशिश की। स्मृति ईरानी जब आती है तो कर्नाटक की बात नहीं करती, अमेठी की बात करती है, प्रियंका गांधी की बात करती है। लेकिन अलका जी बीजेपी ये कहती है कि शुरुआत किसने की? शुरुआत तो आपने अपने मैनिफेस्टो के जरिए की, बजरंग दल को बैन करने की बात करके। वो कह रहे हैं धर्म पर सबसे पहले कांग्रेस लेकर आई। देखिए हमारे घोषणा पत्र में ये था, PFI हो, बजरंग दल हो, कोई भी ऐसा असामाजिक संगठन जो बिल्कुल वहां के ताने बाने को, जो भाईचारा उसको नुकसान करेगा, हम कार्रवाई करेंगे। ये हमने घोषणा पत्र में लिखित में दिया है, अभी भी उस पे हम खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपमान किया, बजरंग दल की तुलना बजरंग बली जी से कर दी। आज बजरंग बली जी ने अपनी गदा चलाकर भाजपा को बता दिया है कि बजरंग बली नाराज है। भगवान बजरंग बली कह रहे हैं कि मेरे भगवान राम के नाम पर राजनीति की, आज मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो, मेरे भक्तों की चिंता करो जो महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। अच्छा चलिए ये तो आपने कह दिया अलका जी, ये तो आपने कह दिया, लेकिन कांग्रेस इस वक्त बहुमत के आंकड़े से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। अगर ये नतीजे में तब्दील होते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो बजरंग दल को बैन करेंगे क्या कर्नाटक में? उनकी एक्टिविटीज के ऊपर आधार रहेगा। सरकार शपथ के बाद आगे जो समय है कांग्रेस सरकार बनने के बाद,
कोई भी संगठन, मैं फिर कह रही हूँ आप बजरंग दल कह रहे हैं, मैं कोई भी दल, क्योंकि अमित शाह जी कहकर गए हैं हम उसे हल्के में नहीं ले रहे हैं। क्या कहा था अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री ने, कि कांग्रेस की अगर सरकार कर्नाटक में बनेगी तो दंगे होंगे, ये देश के गृह मंत्री ने कहा है, इसलिए हम हल्के में नहीं ले रहे। और वो दंगे किसके कंधों पर कराएंगे, यही वो संगठन है जो दंगे भाजपा और उनके गृह मंत्री के इशारों पर कर सकते हैं। नजर पैनी रहेगी कांग्रेस की सरकार की ऐसे संगठनों की देश के गृह मंत्री पर। सरकार तो बना दी लोगों ने, अमित शाह जी अब आप कुछ करके दिखाइए तो 24 में भी इससे बड़ा जवाब कर्नाटक की जनता आपको देगी। कर्नाटक को किसी भी कीमत पर, गृह मंत्री अमित शाह जी, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, आपकी जो भी सेनाएं आपने खड़ी की हैं धर्म के नाम पर इस देश के बंटवारे के लिए, उस सब पे पानी फेरने का काम भारत जोड़ो यात्रा ने किया और उस पे मोहर लगाकर अलका जी ने। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, माफ कीजिएगा आपको रोक रहे हैं, बड़ी खबर बता देते हैं, तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, आंकड़े लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो भी आपको बताते हैं। कांग्रेस पार्टी बहुमत से आगे फिलहाल दिखाई दे रही है 115, लेकिन ये आंकड़े लगातार बदल भी रहे हैं, आगे और पीछे होने का खेल लगातार अभी भी जारी है। बीजेपी 78, कांग्रेस पार्टी 115। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने एक ट्वीट किया है, जय बजरंग बली, तोड़ दी भ्रष्टाचार की नली। ये पहला रिएक्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बजरंग बली का जिस तरह से चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया गया उसको लेकर हमला बोलते हुए बीवी श्रीनिवास ने ट्वीट किया है, जय बजरंग बली, तोड़ दी भ्रष्टाचार की नली। और याद कीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने प्रचार में यही कहा था, जय बजरंग बली, तोड़ देंगे भ्रष्टाचार की नली। और अब ये ट्वीट, और कांग्रेस मुख्यालय में देखिए किस तरह की तस्वीरें, वो भी दिखा देते हैं। वहां पर TV9 भारतवर्ष संवाददाता रजनीश मौजूद हैं और वहां जश्न का माहौल सुबह से ही है, सुबह चुनाव नतीजे आने शुरू हुए उससे पहले वहां जश्न मनना शुरू हो गया था और अभी भी वहां पर जश्न उसी तरह से मनाया जा रहा है। लेकिन बजरंग बली चुनाव प्रचार के दौरान भी मौजूद रहे, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ हमारे साथ शंभुनाथ जी मौजूद है यहाँ पर। सर तोड़ रजनीश हमारे साथ, रजनीश जरा बताइए वहां पर क्या हाल है एक बार। बिल्कुल AICC से सीधी तस्वीरें आप देखिए, सुबह से ही यहां पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे और अभी जो सेलिब्रेशन है वो और ज्यादा तेज हो गया है। लगातार पार्टी के जो वर्कर हैं वो यहां पहुंच रहे हैं और पहले से ही इन्हें अंदाजा था, जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे इनको अंदाजा हो गया था कि पार्टी वहां पर सरकार बना सकती है और इसी अंदाजे के आधार पर ये तमाम लोग सुबह से आने लगे थे। आप देखिए यहां पे बजरंग बली भी आए हुए हैं, बजरंग बली एक बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी कर्नाटक चुनाव में और वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बजरंग बली बनकर आए हैं आज, जिस तरीके से राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की जनता की आवाज को उठाया, हिंदुस्तान की जनता की बात को सुना और जिस तरीके से आज बेरोजगारी की बात हुई, रोजगार की बात हुई, महंगाई की बात हुई, आपको लगता है कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली से बीजेपी बजरंग बली से बीजेपी? ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने वाली पार्टी है, ये हिंदू मुसलमान की बात करने वाली है, ये शमशान और कब्रिस्तान करने वाली बात ही है, ये सिख और ईसाई को बात करने वाली बात ही है, कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर अलग अलग जो कलर है कर्नाटक चुनाव के, जी बिल्कुल रजनीश, हमें नजर आ रहा है साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो जोरदार नजर आ रहा है, पार्टी बम बम नजर आ रही है फिलहाल रुझानों की तरफ देखकर। हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टी कैसे जश्न की तैयारी में डूबी नजर आ रही है? देखिए कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से कहा गया कि जब तक स्थिति क्लियर ना हो जाए तब तक बहुत बड़ी तरीके से जश्न ना मनाया जाए, लेकिन ये कांग्रेस मुख्यालय के गेट पर जो बेंगलुरु में कांग्रेस मुख्यालय है वहां पर महिलाओं ने होली खेलना शुरू कर दिया है, जो लोग हैं वो कार्यकर्ता यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं और उनको ये उम्मीद लग रही है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मंत्री कौन बनेगा सर? कांग्रेस का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, हमारे हाईकमांड सोचेगा, हाईकमांड के ऊपर भरोसा करते हैं हम। हाईकमांड जी है हमारा, राहुल जी है हमारा। और होली बहुत खेली आपने, होली बहुत खेली, बहुत खुशी, बहुत खुशी। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, ओ खुशी से, ओ खुशी से, ओ खुशी से। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, जी ओके कुमार विक्रांत हमारे साथ बने रहिए। लेकिन अब सुमेरा,
जी हाँ, लेकिन अब हम आपको बड़े फैक्टर्स क्या है इस चुनाव में और बड़ी तस्वीर क्या उभर कर सामने आ रही है वो एक एक कर सभी फैक्टर्स बताएंगे। सबसे पहला फैक्टर बताएंगे निशान जी, निशान लिंगायत फैक्टर 109 सीटों पर। अब ये देखिए बीजेपी 37 कांग्रेस 60, 37 को आप ऐसे समझिए कि 2013 में जब येदुरप्पा अलग हुए थे तो बीजेपी को कुल 40 सीटें मिली थी, कुल 40 सीटें, तो 37 मेरे हिसाब से बहुत बुरा नहीं है। लेकिन जेडीएस 9 अदर्स 3, यहां पर कई लिंगायत नेता जो हैं वो उनके पाले में भी गए। शंभुनाथ जी मेरे साथ हैं सर, कई लिंगायत नेता कांग्रेस के पाले में भी चले गए और भले ही जगदीश शेट्टार अभी पीछे चल रहे हो लेकिन कई सारे नेता थे, क्या उसका फर्क पड़ा आपको यहां पर दिखता है? 60 सीटें क्योंकि मिल रही है कांग्रेस पार्टी को। और देखिए आप जवाब दे रहे हैं लेकिन हम तस्वीर भी बता देते हैं, सिद्धर अमैया चाय पी रहे हैं, सुकून की चुस्की है और उनके बेटे बता चुके हैं कि बहुत अच्छा रहा है उनका कार्यकाल, आखिरी चुनाव है उनका, ये वो खुद कह चुके हैं जी शंभुनाथ जी। ये सुकून की चुस्की लेते हुए अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, कॉन्फिडेंट है बहुत जी। है जो दूसरा उसके पैरेलल वो चुकी जी, क्या ये लिंगायत वोट बैंक में सेंध हुई इस बार? निश्चित भाई चेंज हुआ, हर बार चेंज होता रहा है, इस बार भी चेंज हुआ। पहले येदुरप्पा कर, हालांकि बुम्बई भी लिंगायत ही है, बुम्बई खुद तो जीत गए लेकिन जहां लिंगायत बहुमत में है नहीं। लेकिन सर एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, इस बार बीएस येदुरप्पा उस तरह से इन्वॉल्व नजर नहीं आए, कहा गया कि येदुरप्पा को थोड़ा पीछे रखा भारतीय जनता पार्टी ने, बसवराज बोम्मई को आगे किया, क्या उसका भी नुकसान हुआ है? क्या लिंगायत वोट बैंक में कटौती हुई है क्या? क्योंकि येदुरप्पा लिंगायत समुदाय का एक नेता भी है जी, बसवराज बोम्मई की उस तरह की छवि नहीं है, उनका जो धार्मिक संगठन है जिसमें बीडी जत्ती साहब थे उसमें थे बाकायदा येदुरप्पा, इसका एक असर तो पड़ता ही है क्योंकि उनका एक समाज है, उनका एक समुदाय है, तो इसका असर पड़ा, तो उससे इनके जो लिंगायत सीधे सीधे कांग्रेस में गया इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनके जो नेता डीके शिवकुमार हैं और उन्होंने मुस्लिम वोट को, शमुना जी मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा क्योंकि आप बड़ा तेजी से हम लोग कुछ अलग अलग फैक्टर्स दिखा रहे हैं, अगला फैक्टर सुबेरा हमें बताने जा रही है, अगला फैक्टर वोकालेगा फैक्टर है। देखिए डीके शिवकुमार वोकालेगा से आते हैं और 101 सीटें हैं जहां पर इसका असर दिखाई देता है, बीजेपी के पास 29, कांग्रेस पार्टी के पास 50, जेडीएस के पास 21 और अन्य के खाते में 1। लेकिन यहां देखिए लिंगायत में भी और वोकालेगा में भी दोनों फैक्टर्स में कांग्रेस पार्टी के पास बढ़त है, एज है बीजेपी के पास भी, लेकिन 29 सीटें हैं। ये बड़ी तस्वीर है वोकालेगा को लेकर, 12% लगभग वोकालेगा वोट है कर्नाटक में और उसमें से बड़ी संख्या में जो सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। रामकृपाल जी ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है, जो डीके शिवकुमार हैं वो वोकालेगा से आते हैं और बड़े नेता हैं वोकालेगा के, इसके अलावा बाकी कई और बड़े नेता भी थे, तो क्या ये एक बड़ा फैक्टर रहा कांग्रेस पार्टी के लिए? ये हो सकता है ये हो, लेकिन सबसे बड़ी जो मुझे इस चुनाव में एक चीज दिखाई पड़ रही है वो ये है कि जो कांग्रेस ने ये बजरंगबली का कार्ड खेला था वो निशाने पर सीधा था कि माइनॉरिटी वोट जो बाबरी विध्वंस के बाद से कांग्रेस को छोड़ करके क्षेत्रीय पार्टियों के पास चला गया था वो वोट फिर से कांग्रेस के पास लौट आए और ये कर्नाटक में इसकी शुरुआत हो चुकी है। और आप जो बता रहे हैं लेकिन उसमें तो दोनों का नाम साथ साथ लिया गया था, बजरंग दल और पीएफआई दोनों का साथ साथ नाम। मैं आपके पास सर एक सेकंड, मैं आपके पास आ रहा हूँ आप ही की चीज को सेकंड करने के लिए। अगला फैक्टर सुबेरा, जो अगला फैक्टर है वो है मुस्लिम फैक्टर, 17%, लेकिन इन्फ्लुएंस करीब 40 सीटों पर और 38 सीटों पर, 17% जितना की लिंगायत वोट बैंक का वेटेज होता ही इतना है, लेकिन सीटों में फर्क है 14 बीजेपी। ये देखिए सर 14 बीजेपी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कांग्रेस 17, ये बीजेपी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है अगर उस लिहाज से मैं देखूं, कांग्रेस 17, जेडीएस 5, अदर्स 2, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर से बोल रहा हूं 38 में से 14 भी अगर बीजेपी को मिल रहे हैं ये एक बहुत ही डिसाइसिव अगर कहा जाए उनके पास है। आरपी सिंह बीजेपी से हमारे साथ है, सुमेरा जी आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी हम जो फैक्टर्स हैं जिन्होंने प्रभावित किया कर्नाटक चुनाव में उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं और इन फैक्टर्स में लिंगायत वोट जहां जिन सीटों को प्रभावित करता है उसमें भी कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिल रही हैं बीजेपी से, तो क्या वजह रही कि ये जो आपका कोर वोट बैंक है वहां से भी जो सीटें हैं वो खिसकती हुई दिखाई दे रही हैं बीजेपी के खाते से कांग्रेस पार्टी के पास जा रही हैं?
देखिए मैं आपके जो ट्रेंड्स हैं उसको नकारता नहीं, परंतु अभी थोड़ा जल्दी रुझान है, थोड़ा और मेरा लगभग कहना कि 11:30-12 तक वेट करिए, तब ट्रेंड्स क्लियर होंगे, क्योंकि ये पहले 3-4 राउंड के ट्रेंड है, पहली बात। दूसरी बात, एक मुस्लिम वोट का बड़ा क्लियर शिफ्ट दिख रहा है, आप ही दिखा रहे हैं, मेरे पास जो डेटा आ रहा है लगभग 7-8% JDS से शिफ्ट होकर मुस्लिम वोट गया है कांग्रेस की तरफ से। वो जो उन्होंने बजरंग दल पर बैन करने की बात करी, ये उसका असर है, और ये देश समझ सकता है कि किस प्रकार से एक वोट बैंक को खुश करने के लिए आप बजरंग दल जैसे एक राष्ट्रीय संगठन के ऊपर प्रतिबंध की बात करते हैं, और उसका असर ठीक है चुनाव में होता है, परंतु उसका दूरगामी क्या लेकिन लेकिन जो बढ़त दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी को, वो क्या सिर्फ आप मुस्लिम वोट बैंक 7-8% शिफ्ट हुआ उसके आधार पर ही है? वोकल लिंगायत वहां पर भी उनको बढ़त मिल रही है, यही मेरा सवाल था आपसे कि वहां पर जो बढ़त है वो किस वजह से है? मैंने कहा कि अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा, जो ये मेरे पास डेटा है। ये तो बात थोड़ी सी गड़बड़ है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। आप जब हम आपसे ओवरऑल पूछते हैं तो आप बोलते हैं इंतजार करना पड़ेगा, और मुस्लिम फैक्टर में आप अभी के रुझानों पे जवाब देने लग जाते हैं, लेकिन अगला फैक्टर क्या है सुमेरा, ये जरा बताइए। यहाँ अगली तस्वीर में बता देते हैं, हम एक एक कर आपको फैक्टर बता रहे हैं। एससी फैक्टर क्या है, देखिए ये भी बड़ा मुद्दा था, इसमें बीजेपी ने जो वापस लिया था आरक्षण अल्पसंख्यक समुदाय से मुसलमानों से, उसे बांटा था एससी एसटी में, लेकिन देखिए ये 12 सीटें बीजेपी को इस फैक्टर को जो प्रभावित करती हैं सीटें वहां पर, कांग्रेस पार्टी को 20, जेडीएस को 4, और अन्य के खाते में कुछ नहीं है यहां। लेकिन यहां पर भी क्योंकि ओवरऑल कांग्रेस पार्टी को बढ़त है, इस वजह से बढ़त है, लेकिन जेडीएस को यहां पर भी बड़ा नुकसान हो रहा है। ये तस्वीर जो एससी फैक्टर है उसकी वजह से उभर कर सामने आ रही है। इन सारे फैक्टर्स को अगर मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं, क्या पुष्पेश जी ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि ओवरऑल एंटी इनकम्बेंसी ने कितने भी वोट बैंक है सब में से नुकसान किया है, और हम उनको फाइन ट्यून नहीं कर सकते कि इसकी वजह से हुआ? ओवरऑल एंटी इनकम्बेंसी आपको दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने निश्चित रूप से प्रभावित किया है, मगर मुझे लगता है कुल मिलाकर खेल ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के बीच हुआ है। ध्रुवीकरण को मतदाता ने नकारा है और तुष्टीकरण को उतनी स्पष्टता नहीं नकारा है, विकल्प के रूप में बेहतर माना है कि तुष्टीकरण के बाद अल्पसंख्यक फिर भी भारतीय समाज में अपेक्षाकृत निरापद है, और न केवल वो मुसलमान है, वो दलित भी है, वो जनजाति भी है, ठीक है, कोई भी अल्पसंख्यक है, ठीक है। रामकृपाल जी, लेकिन ये डबल इंजन का नैरेटिव काम करता क्यों नजर नहीं आ रहा कर्नाटक में? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए एंटी इनकम्बेंसी एक तो फैक्ट है, कर्नाटक में थी, जितने ओपिनियन पोल आए, जितने एग्जिट पोल, निश्चित तौर पर। लेकिन जो मैं एक बात कह रहा हूँ, जैसे अभी ये हो रहा था कि भाई वोका लिंगा है, हमेशा से देखिए कोई एक चाहे लिंगायत हो चाहे वोका लिंगा हो, ये जो ये कभी इन टोटो किसी एक पार्टी के पास नहीं जाते हैं, इनमें हमेशा एक डिवीजन होता है। जैसे कि देखिए और पूरे इसमें जो एक विक्ट्री फैक्टर, जो डेसिव फैक्टर होता है, वो ये होता है कि किसी एक ग्रुप का कंसोलिडेट होना। कांग्रेस ने जो चाल चली उसको ये पता था कि स्थितियां हैं एंटी इनकम्बेंसी है। इसमें अगर देखिए, ठीक है सर, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, इस पर आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। बड़ी खबर क्या है, क्या कर्नाटक में अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत होने जा रही है? जी हाँ, बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई हमारे पास है। रुझानों को देखकर कांग्रेस में हलचल तेज, कांग्रेस एमएलए के लिए रिजॉर्ट बुक करा दिए गए हैं बेंगलुरु में। सभी विधायकों को बेंगलुरु बुलाया गया है, कहा गया है जल्द से जल्द बेंगलुरु पहुंचे। ये बड़ी खबर, अगर इस इन नंबर्स के बाद भी रिसोर्ट बुक करना पड़ रहा है तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या हो रहा है अंदर। एक कहावत होती है निशान, जिसे कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो इस वो तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है कि 118 फिलहाल दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई, लेकिन ये फूक फूक के खा रहे ये नौबत आ सकती है रिसोर्ट बुक कराने की, नौबत क्यों आ गई? डेटा मुशाए हमें कुछ समझा सकते हैं क्या? इस वक्त के आंकड़े जो हैं वो तो कांग्रेस के फेवर में है, फिर ये नौबत क्यों है? डेटा मुशाए, बिल्कुल समीर, देखिए लगभग पिक्चर क्लियर है यहाँ पर, कांग्रेस क्या कर रही है ये भी आप लोग बता रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो अब यहाँ पर डेटा है, डेटा मुशाए जो यहाँ बताने जा रहे हैं, आंकड़ों की जुबानी हम बिल्कुल क्लियर करने जा रहे हैं कि आखिर गेम पलटा कहां से, और ये केवल और केवल डेटा मुशाए बताएंगे। डेटा मुशाए, ये गेम कहां से पलटता दिख रहा है? ये देखिए, ये जो आइए इधर आइए राजेंद्र जी, इधर आइए, ये जो पैच है सेंट्रल कर्नाटक में, जी सेंट्रल कर्नाटक में जो एसटी जो वोटर है, हाँ,
उसका एक मेजर मूवमेंट। एक मिनट, सेंट्रल कर्नाटका यानी बीएस येदुरप्पा का रीजन, 35 सीटें, बीएस येदुरप्पा, श्रीरामलू, सीटी रवि, बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे यहीं से आते हैं। बड़े चेहरे हैं, तो श्रीरामलू का जो इम्पैक्ट था वो कम दिखाई दे रहा है। ये मेजर एक चेंजेस हुआ। अगर मैं इस वोट शेयर सीट में कन्वर्ट कर देता हूँ तुरंत आप देखेंगे, अगर मैं एसटी कैटेगरी सीट सब सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इधर आते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम आपको डेटा के जरिए बताने जा रहे हैं कि आखिर एसटी वोटर का यहाँ पर क्या ट्रेंड दिख रहा है एसटी वोटर्स का। एसटी के लिए रिजर्व है, जहाँ पर एसटी पॉपुलेशन एक मेजोरिटी है, ठीक है। आप देखिए कांग्रेस का वोट शेयर देखिए 37.9 से 48.3, ठीक है। यानी आप कह रहे हैं कि एसटी कम्युनिटी ने कांग्रेस को जमकर वोट दिया है और करीब करीब 11% का यहाँ जंप है। और घटा कहां से? घटा है बीजेपी से। बीजेपी से, बीजेपी का करीब यहां पर 8% वोट एसटी का घटा है और कांग्रेस का करीब 9-10% बढ़ा, यानी पूरा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जो अभी जो नंबर आ रहा है तो आप समझ लीजिए इधर एसटी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। जो श्रीरामलू के ऊपर बीजेपी डिपेंडेंट था एसटी वोट ले आने के लिए, ठीक है। आप एक एक्टर को भी लिया था, ठीक है, मोमेंट में सुदीप किच्चा, ठीक है, काम नहीं किया। मतलब आप ये कह रहे हैं सेंट्रल कर्नाटका में, जल्दी से जरा वो भी बता दीजिए कि कितनी सीटें हैं, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को सेंट्रल कर्नाटका में मात्र 11 मिली थी, बीजेपी को सीटें मिली थी 24, इस बार कितनी सीटें हैं जल्दी से। ओ माय गॉड, यहां पर आकर देखिए आप, कांग्रेस को डबल का फायदा है और यहां पर बीजेपी को यहां कम से कम 15 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, का नुकसान हो रहा है। ये सेंट्रल कर्नाटका येदुरप्पा का रीजन। तो जो चेंज हुआ, जो गेम चेंजिंग है, ये सेंट्रल कर्नाटका में एसटी वोट, सेंट्रल कर्नाटक में एसटी वोट चेंज होने के लिए कांग्रेस का जो 80 सीट से अभी हमारा जो नंबर 116 आ रहा है, ये मेजोरिटी एक पोर्शन आ रहा है एसटी से आ रहा है। अच्छा, एक बार जल्दी से मुंबई कर्नाटका भी दिखा दीजिए, 50 सीटों वाला रीजन है मुंबई कर्नाटका, और वहां क्या हो रहा है जल्दी से दिखाइए, वहां भी बड़ा चेंज दिख रहा है। देखिए दूसरा सबसे बड़ा रीजन 50 सीटें, और यहां भी कांग्रेस बहुत ज्यादा यहां पर आप देख सकते हैं बढ़त हासिल करती हुई दिख रही है, 17 से 29, 12 सीटों का फायदा सेंट्रल मुंबई कर्नाटका, मुंबई कर्नाटक, और ये वो इलाका है जो महाराष्ट्र से लगता है। क्या महाराष्ट्र में इसका इंपैक्ट ज्यादा दिखेगा? ये मराठा पॉपुलेशन 9% है, यहाँ पर ही आपका लक्ष्मण सोदी, जगदीश शेट्टर, ये सब जगदीश शेट्टर तो हार रहे हैं, लेकिन नहीं, नहीं, अब उनका सीट बहुत ही मुश्किल सीट था, ठीक है, वो सीट जितना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक इंपैक्ट दिखा। आप ये कह रहे हैं कि जगदीश शेट्टर के कांग्रेस में आने से लिंगायत वोट कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हुआ है थोड़ा बहुत? अब फाइनल वोट शेयर का बट इंडिकेशन हुई है, देखिए इतना सीट आ कहां से रहा है, 17 to 29 अगर सीट बढ़ रहा है, 12 सीट इधर, 30 से 17 घट रहा है, मतलब 12 सीटों का फायदा कांग्रेस को, 13 सीटों का नुकसान बीजेपी को, इसमें जगदीश शेट्टर का फैक्टर आप यहां पर इंक्लूड कर रहे हैं। आप देखिए कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ रहा है कितना, 39.4 से 45, तो आप 5% एक वोट शेयर जंप दिखाई दे रहा है, आप समझ लीजिए करीब 5.5% वोट उधर बढ़ रहा है और करीब करीब यहां पर 3% के आसपास वोट बीजेपी का घट रहा है मुंबई कर्नाटक, मुंबई कर्नाटक, महाराष्ट्र पर इसका इंपैक्ट जा सकता है। महाराष्ट्र में देखिए वो बाद में है, लेकिन क्या ये एरिया आप जब तक मुंबई कर्नाटक और ओल्ड मैसूर आप जीत नहीं सकता है, तब आप स्टेट क्योंकि तेलंगाना से लगता है जो इलाका जरा उस पर आते हैं, हैदराबाद कर्नाटक पे, तेलंगाना इलेक्शन इसके बाद जस्ट वहां पर जाना है, वहां क्या असर पड़ रहा है जल्दी से बताइए। हैदराबाद कर्नाटक जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का इलाका है, हैदराबाद कर्नाटक मल्लिकार्जुन खड़गे का इलाका, यहाँ पर क्या चल रहा है जल्दी से बताइए। ये देखिए ये बॉटम अप अलग बिहेव कर रहा है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा चेंज है, ये कांग्रेस के आसपास होना चाहिए था, यहाँ बीजेपी लीड करती दिख रही है, बीजेपी लीड कर रहा है। ये क्या बीदर डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, ओके, तो इधर क्या है सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पर बीजेपी लीड कर रही है, बट अभी क्या है जो काउंटिंग चल रहा है वो काउंटिंग में अभी भी मुस्लिम एरिया आया नहीं, ओके, ठीक है, तो ये नंबर आप देखेंगे ये बिदर, जल्दी से सीट में कन्वर्ट कीजिए इसको, सीट में कन्वर्ट कीजिए तो ज्यादा हम अपने दर्शकों को आंकड़ों की जुबानी बता पाएंगे कि यहाँ चल क्या रहा है। ये है आपका हैदराबाद कर्नाटका, यहाँ पर लगभग वही लड़ाई चल रही है जो पिछली बार थी, यहाँ पर ज्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर गेन करेगा, अभी जो नंबर है इससे कांग्रेस गेन करेगा। आप कह रहे हैं कांग्रेस की 15 सीटें जो पिछली बार थी इस बार 15 से ज्यादा होंगी? ज्यादा होंगी, क्योंकि ये एरिया जब मुस्लिम एरिया बीदर अभी घुसा नहीं, बसा बल्लन घुसा, जल्दी से ग्रेटर बेंगलुरु दिखा दीजिए, और जहां तक मुझे लगता है ग्रेटर बेंगलुरु एक इलाका जहां है जहां बीजेपी ने कुछ गेन किया होगा, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी ज्यादा मेहनत की है, काफी ज्यादा रैली, जल्दी ये देखिए ग्रेटर बेंगलुरु जो एरिया है इधर देखिए, दिखाई राजेंद्र जी ग्रेटर बेंगलुरु, ये पहले ये पुराना दिखाइए 2018, यहां आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है यानी कांग्रेस की सीटें ज्यादा दिख रही है, लेकिन इस बार पिक्चर चेंज हो गई है, बीजेपी ने ग्रेटर बेंगलुरु में अच्छा किया है, जल्दी से दिखाइए। अभी तक जो ट्रेंड है आप देखिए बीजेपी बहुत अच्छा कर रहा है, अगर आप वोट शेयर में भी देखेंगे, सीट टैली में भी देखेंगे, यानी शहरी इलाके में बीजेपी ने अच्छा किया है ये हम कह सकते हैं। ये देखिए जो 11 सीट्स था
बढ़कर 19 हो गई है। बीजेपी के लिए ग्रेटर बेंगलुरु जो रीजन है वो यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर संकेत देता हुआ, लेकिन ये और दूसरे रीजन में नहीं हो रहा है। और दूसरे रीजन में क्या हो सकता है? ग्रेटर बेंगलुरु में बीजेपी इतना अच्छा क्यों? एक बार वोट कांग्रेस की सीटें कम हुई है। बीजेपी का वोट देखिए इधर ही बड़ा है, बीजेपी का वोट ग्रेटर बेंगलुरु में। और हमने देखा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह इन लोगों का ग्रेटर बेंगलुरु में ज्यादा फोकस दिखा था हमें इलेक्शन कैंपेन में, उसका असर दिखा यहाँ पर, उसका असर दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस ने अपना वोट शेयर खोया नहीं है, ये यहाँ पर जेडीएस का वोट सीधे बीजेपी की तरफ जाता दिखा बीजेपी। इसमें जो हुआ था 2019 में जब गवर्नमेंट चेंज हुआ तो यहाँ पर के आर पूरा, आप समझ लीजिए ऐसे यहाँ पर जब 2019 में बसवराज बोम्मई सीएम बने तो 5 कांग्रेस के एमएलए चले गए थे बीजेपी में, उसका यहाँ पर फायदा उनको दिख रहा है, फायदा उनका दिख रहा है। एक जेडीएस के एमएलए भी गया था, ठीक है ठीक है, इसीलिए जेडीएस का वोट शेयर आपके इतना। जल्दी से कोस्टल कर्नाटका दिखा दीजिए, फिर जल्दी से हमें जाना अपने मेन स्टूडियो। कोस्टल कर्नाटका बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर उडुपी आता है जहाँ पर हिजाब विवाद बहुत शुरू हुआ था, बजरंग बली के मुद्दे की टेस्टिंग ये भी यही पर होगी ये कहा जा रहा था लास्ट टाइम। यहाँ भी कांग्रेस को गेन होता दिख रहा है, लास्ट टाइम 3 सीट्स कांग्रेस यहाँ जीता था बिल्कुल। अभी का टाइम में कांग्रेस आप 5 सीटों में आगे है। अगर बीजेपी के पास लास्ट टाइम यहाँ 18 सीटें थी, इस बार कितनी जल्दी दिखाई, कितने पर वो आगे दिख रहे हैं, कितने पर लीड ले रहे हैं आप देखिए। देखिए यहाँ पर 4 सीटों का नुकसान फिलहाल ट्रेंड्स में बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस को 2 सीट का फायदा। अगर आप वोट शेयर में भी देखेंगे तो देखिए कांग्रेस यहाँ पर वोट शेयर इंप्रूव करता है। पार्था डेटा मुशाय, क्या केरला स्टोरी फिल्म यहाँ पर फ्लॉप हो गई? नहीं देखिए ये क्या है, ओवरऑल जो स्टेट का ट्रेंड है बेंगलोर एक अलग स्टोरी दिखा रहा है। मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं रीजन से पूछ रहा हूँ क्योंकि केरल से लगता हुआ इलाका है ये। केरल स्टोरी, द केरल स्टोरी फिल्म जिसको लेकर काफी इस इलेक्शन के दौरान बात हुई, खुद प्रधानमंत्री ने भी अपने मंच से इसका जिक्र किया था, क्या ये बता रहा है कि इससे कांग्रेस को कोई डेंट नहीं हुआ? डेटा तो यही कह रहा है आपका कि बीजेपी यहां पर अभी तक के ट्रेंड में पिछले बार से कम ही वोट पाते हुए दिख रही है। देखिए एक बार फाइनल रिजल्ट आने दीजिए तब बोलना सही है, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड में 1.6% का डिफरेंस है वोट शेयर में आप देखेंगे ठीक है। तो फाइनल ये फाइनल रिजल्ट था ठीक है, तो जब तक फाइनल अभी कौन सा एरिया काउंटिंग हो रहा है कौन सा एरिया अभी बाकी है वो देखना पड़ेगा ठीक है। चलिए ठीक है, कांग्रेस इस एरिया में देखिए जो एक जल्दी से ओवरऑल परसेंटेज आपके पास, क्योंकि मुझे तुरंत मेन स्टूडियो जाना, जल्दी से ओवरऑल परसेंटेज बता दीजिए। ओवरऑल परसेंटेज वोट शेयर क्या कहता है? इधर आते जल्दी से राजेंद्र जल्दी आइए इधर। ओवरऑल परसेंटेज अभी तक के ट्रेंड्स के लिहाज से क्या कहता है? देखिए कांग्रेस 5% जंप कर रहा है अभी तक के जो हमारे पास रुझान है। क्या ये 224 सीटों के रुझान है पूरे? 224 का तो अभी तक के रुझान ये कहते हैं कि 6% का फायदा ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज में अभी तक की जितनी काउंटिंग है उसमें कांग्रेस को दिख रहा है, लेकिन बीजेपी का वोट इंटैक्ट है, बीजेपी का सेम है। ये क्या कहानी है? नहीं अभी देखिए 2 कॉर्नर फाइट हो रहा मैक्सिमम सीटों में, तो आप बीजेपी का वोट शेयर मिलेगा डेमोक्रेसी में। मेन जो स्टोरी आप देखिए जेडीएस का वोट शेयर ड्रॉप, जेडीएस का वोट पूरा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है और ये जेडीएस को बहुत डेंट पहुंचाएगा, ये इंडिकेशन है थोड़ा बहुत। अभी पूरा रिजल्ट आने के बाद ये भोकाली का वोट एक शिफ्ट हो रहा है, डीके शिव कुमार की एक्सेप्टेंस बड़ी है, भोकाली का वोटर उधर कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा है ठीक है। चलिए तो ये मोटी मोटी पिक्चर है इस वक्त कर्नाटका चुनाव के रिजल्ट की। ओवर टू यू सुमारा। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो किसी स्क्रीन पर नहीं है, दिस इज बिगर देन एनीथिंग एल्स। सीधे प्ले ऑन करिए, ये देखिए क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं सुमेरा। ये है 224 सीटें, एक एक सीट पर कौन आगे कौन पीछे, क्या है तस्वीर, हम आपको एक एक सीट बता रहे हैं। 224 की 224 सीटें, देखिए निपानी में अन्य आगे चल रहे हैं, कित्तूर में कांग्रेस पार्टी, बता दें हम टॉप टू बॉटम एक एक लेयर को कवर करेंगे। बाबलेश्वर में कांग्रेस पार्टी आगे, गुलबर्गा ग्रामीण में बीजेपी, लिंगसुगुर में बीजेपी, धारवाड़ में कांग्रेस, बयागी में कांग्रेस, चित्रदुर्ग में कांग्रेस, शिमोगा में बीजेपी, कदूर में जेडीएस, इसके अलावा चिकबल्लपुर में कांग्रेस, दसराहल्ली में बीजेपी, चिकपेट में बीजेपी, रामनगरम में जेडीएस, होला नरसिंहपुर में जेडीएस और कृष्णराजनगर में कांग्रेस पार्टी। अब जब सेकंड रो आप देखेंगे, सेकंड रो कांग्रेस से भरी ज्यादा दिखाई देती है, बीजेपी सिर्फ 4 जगह दिखाई दे रही है और जेडीएस 3 जगह दिखाई दे रही है। क्या है ये? चिकोडी सदलगा कांग्रेस, बेलहोंगल कांग्रेस, बीजापुर सिटी कांग्रेस, गुलबर्गा दक्षिण कांग्रेस, सिंधानूर कांग्रेस, हुबली धारवाड़ पूर्व कांग्रेस, हिरेकेरूर कांग्रेस, हिरियुअर कांग्रेस। मैं अपने प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहता हूं, प्लीज इसको लेकर सेंसिटिव मत हुईगा। तीर्थहल्ली बीजेपी, चिकनिया कनहल्ली बीजेपी, सिद्लाघट्टा जेडीएस, महालक्ष्मी लेआउट बीजेपी, बसवन गुंडी बीजेपी, कनकपुरा कांग्रेस,
अर्कलगुट बी जेडीएस हंसूर जेडीएस सुबेरा। अगला रुख करते हैं, देखिए अथानी में कांग्रेस पार्टी आ गए, ये ऊपर की तीन सीटें कांग्रेस पार्टी, सुदानी यलम्मा में भी कांग्रेस पार्टी और नागथन में भी कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा गुलबर्गा उत्तर में बीजेपी, मस्की में कांग्रेस पार्टी, हुबली धारवाड़ मध्य में बीजेपी आ गए, लेकिन रानी बेनूर और होसा दुर्ग में कांग्रेस पार्टी आ गए, शिकारीपुर में बीजेपी आ गए, यहां से देखिए ये अहम सीट है बीजेपी के लिए, तिप्तुर में कांग्रेस पार्टी और चिंतामणि में भी कांग्रेस पार्टी आ गए, लेकिन मल्लेश्वरम में बीजेपी, पद्मनाभनगर में भी बीजेपी आ गए, चन्नापटना में जेडीएस आ गए, यानी इस पूरे लाइन में देखिए सिर्फ जेडीएस एक सीट पर आ गए, इसके अलावा सकलेशपुर में बीजेपी और हेगड़ा देवनकोट में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। थर्ड रो की अगर बात की जाए तो थर्ड रो में पहले कलर पर मत जाइएगा, वो है कांग्रेस लेकिन कलर उसका थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, काफगाड़ वो आप नजर बट्टू मान लीजिए, फिर रामदुर्ग कांग्रेस, इंदी कांग्रेस, अलन बीजेपी, कुश्तगी बीजेपी और हुबली धारवाड़ पश्चिम बीजेपी यहां पर है, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो दिखाया था हुबली धारवाड़ पूर्व में कांग्रेस है, हुबली धारवाड़ पश्चिम में बीजेपी है, सामने सामने देखे और मध्य में बीजेपी है, जो सुमेरा ने बताया हथगली कांग्रेस, हेलाल खेरे कांग्रेस, सोराब कांग्रेस और फिर जेडीएस और तीन कांग्रेस और नीचे अब बेलथांगड़ी वहां पर बीजेपी है और फिर यहां पर नजनगुड़ कांग्रेस सुमेरा जी। इसके अलावा आगे अगर बात करें तो देखिए यहां पर भी जो तस्वीर है इसमें जेडीएस सिर्फ दो सीट पर आगे दिखाई दे रही है, मूल बागल में जेडीएस आगे है और चामुंडेश्वरी में जेडीएस आगे है, लेकिन इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस में सीटें दिखाई दे रही है बटी हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ज्यादा देखिए जो ब्लू सीटें हैं वो ज्यादा दिख रही है, कुदाची में कांग्रेस है, मुडोल में कांग्रेस है, सिंदगी में कांग्रेस है, लेकिन बसवा कल्याण में बीजेपी है, कनकगिरी में कांग्रेस है, कालगटकी में कांग्रेस है, हगरी बोमनहल्ली में कांग्रेस है, इसके अलावा सागर कुनिगल यहां दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी को जा रही है, पुलकेशी नगर में कांग्रेस पार्टी आ गए है, मद्दूर में कांग्रेस पार्टी आ गए है, और बीजेपी के खाते में देखिए बसवा कल्याण है, जगलूर है बीजेपी के पास, जयनगर बीजेपी के पास है और मुदबिद्री भी बीजेपी के। अच्छा, अगर आप स्क्रीन को ऊपर देखें आप बीजेपी 79 कांग्रेस 114 जेडीएस 24 लेकिन अदर्स 7, और ये वाली जो रो है इसमें अदर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं अदर्स को ही बताऊंगा, अफजलपुर इंडिपेंडेंट जीत रहे वहां से, गंगावती अदर्स जीत रहे वहां से, हरपनहल्ली इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं, तुमकुर सिटी से जेडीएस से, लेकिन यहां पर अगर आप देखें मेलकोट यहां पर अदर्स जीत रहे हैं, ये साफ ये रो बता रही है कि 4-7 में से 4 जो है इंडिपेंडेंट और अदर्स इस रो में दिखाई दे रहे हैं सुमेरा जी। हाँ, इसके अलावा आगे अगर बात करें तो ये जो देखिए इस वाली रो में भी हम जो आपको सीटें बताने जा रहे हैं इसमें देखिए पूरी सीटों में से सिर्फ जेडीएस के पास एक सीट है यहां पर बंगरपेट की, लेकिन बाकी सीटें बीजेपी और कांग्रेस में बटी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी के पास देखिए यहां पर ज्यादा सीटें आई हैं, ये वाली जो हम दिखा रहे हैं हुकरे में, जामखंडी में बीजेपी है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे उडुपी में बीजेपी है, शिवाजी नगर में कांग्रेस है, बैंगलोर दक्षिण बीजेपी, बैंगलोर दक्षिण और श्रीरंगपट्टन जो है वहां पर जेडीएस है, लेकिन हम कुछ नए आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी ने कितने नए लोगों को टिकट दिया, कांग्रेस पार्टी ने क्या दांव चला और क्या वो उसके पक्ष में गया या नहीं, देखिए ये बहुत दिलचस्प आंकड़ा है, कांग्रेस पार्टी ने जो 64 उम्मीदवार हैं जो वो ओवरऑल जो नए चेहरे उनको सामने रखा उसमें से 64 उम्मीदवार में से 23 ने जीत दर्ज की और 41 हारे हैं, यानी बड़ी ये स्ट्राइक रेट कांग्रेस का बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि सिर्फ 35% का स्ट्राइक रेट है क्योंकि बीजेपी का 41 हार गए, लेकिन कांग्रेस ये बीजेपी का माफ कीजिएगा आंकड़ा था, अब कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा आपको दिखाते हैं, 52 उम्मीदवार जो नए उम्मीदवार थे जिन्हें नए लोगों को टिकट दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिसमें से 14 ही जीते हैं 38 हारे हैं, स्ट्राइक रेट 26 का है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है कि अब बीजेपी का नए कैंडिडेट में स्ट्राइक रेट 30 के ऊपर है और कांग्रेस का सिर्फ 26 के आसपास है, नए कैंडिडेट्स को लोगों ने पसंद नहीं किया, क्या ये इसको समझा जाए, ये चिंताजनक है। अच्छा, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी से, सर स्वागत है आपका, 115 कांग्रेस, 78 बीजेपी, जेडीएस 24, अदर 7, ये अभी का आंकड़ा है, मैं अपने रुझानों पर जाऊंगा, 224 में से 224 के रुझान है, मेरा सीधा और सबसे सरल सवाल आपसे ये है, मुझे एक बात समझाएं आप, कहां गड़बड़ हुई अभी के रुझानों पर सर, ये प्लीज मत बोलिएगा कि देखिए आंकड़े बदलेंगे नतीजों का इंतजार है, मुझे अभी के रुझानों पर कहां गड़बड़ हुई। नहीं देखिए, गड़बड़ इसको नहीं कह सकते, जनता के पास हम जाते हैं इलेक्शन के अंतर्गत एक रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं और हमारे जो कोर आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं तो उनके ऊपर हम स्टैंड करते हैं, और कई बार वो कम्युनिकेशन में जिस तरह से कांग्रेस ने अगर
फ्रीबीज का जो अनाउंसमेंट किया है, कई बार हमने प्रश्न उनसे पूछा था कि आप जो कह रहे हो जितने जिस तरह के आपने मैनिफेस्टो में अनाउंसमेंट किए हैं उनका कोई बजट में प्रावधान क्या है, क्या 1,00,000 करोड़ से ऊपर का उसमें कॉस्ट आती है प्रदेश को, क्या वो प्रदेश उस कॉस्ट को बियर कर सकता है, इसका कोई जवाब नहीं है। उसके बाद जिस तरह से ऐसे लोग लुभावन वादे तो हर पार्टी करती है, क्या आप ये कहकर जनादेश पर सवाल उठा रहे हैं या जनता के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं कि फ्रीबीज के चक्कर में आ गई जनता? नहीं देखिए, ऐसा कोई एक मुद्दा कभी नहीं होता। हाँ। भारतीय जनता पार्टी जब किसी भी प्रदेश के चुनाव को लेकर जाती है तो कुछ हमारे नेशनलिस्ट मुद्दे हैं, आइडियोलॉजिकल मुद्दे हैं, जो हमारी कोर कमिटमेंट के मुद्दे हैं, उन चीज़ों में कई बार कांग्रेस उस कम्युनिकेशंस में उनको अपनी माइनॉरिटी अपीजमेंट और माइनॉरिटी में फियर साइकोसिस की तरफ पे उसको ले जाती है। ठीक है अलका जी, बार बार इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण, माइनॉरिटी अपीजमेंट, आपको लग रहा है ये एक बड़ा मुद्दा रहा? मैं आऊंगा आपके पास, इस सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच एक और अहम खबर आ रही है। कांग्रेस का दावा, ऑपरेशन कमल नहीं चलेगा, ये कहा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सभी एमएलए को बुला लिया गया है बेंगलुरु, 43 सीटों पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है, 43 सीटों पर 1,000 से भी कम का मार्जिन है। रुझानों पर इस वक्त की बड़ी खबर ये रही आपके सामने। और अब दूसरी बड़ी खबर, कुल मिलाकर देखिए बड़ी खबरें क्या निकल कर सामने आ रही हैं। अगली बड़ी खबर, 43 सीटों पर कांटे की टक्कर चल रही है, ये हमने आपको बताया, और यही वजह है कि तमाम विधायकों को बेंगलुरु आने के निर्देश दिए गए हैं, हेलीकॉप्टर बुक कराया जा रहा है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने, एक एक करके ब्रेकिंग न्यूज हम रख रहे हैं, क्योंकि रुझानों में इस वक्त कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, बहुमत से 4 सीटें आगे निकलती हुई 117 पर काबिज नजर आ रही है। लेकिन समीर ये बड़ी तस्वीरें देखिए, 43 सीटें जिसमें 1,000 से भी कम का मार्जिन है, तो क्या तस्वीर बदल सकती है? रुझानों पर ये इस वक्त की बड़ी खबर, 43 सीटें ऐसी है जहां पर 1,000 से भी कम का मार्जिन है, वहां कांटे की टक्कर। एक और बड़ी खबर बता दें, फिर इसी पर सवाल लेंगे हमारे साथ मौजूद खास मेहमानों से, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की रुझानों से जुड़ी हुई, 43 सीटों पर 1,000 से भी कम का मार्जिन, कांटे की टक्कर। बिल्कुल, तो एक के बाद एक जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है, 1,000 से कम का मार्जिन, ये क्या कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का सबब हो सकता है? अलका लांबा जी, जल्दी से। सीधे मैं चलूंगा यहाँ पर, हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अलका जी कुछ बोल रही है। जी अलका जी, तो स्वाभाविक ही उसी तरफ जाएगा। नहीं, मैं बिल्कुल कह रही हूँ, जो 45 सीटें हैं, हमने आंकलन पहले किया था कि कौन सी सीटें हमारी बहुत कम मार्जिन, इवन 500 तक के गैप से हम जीत और हार सकते हैं। अच्छा। ये हमने पहले ही चिन्हित किया हुआ है और इसमें हमारी अलग से एक प्लानिंग से हमने काम किया है, तो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल रिजल्ट दिख रहा है स्वाभाविक है, लास्ट में इन्हें आप कांग्रेस के पक्ष में ही जाते हुए देखेंगे, क्योंकि हमने इन सीटों को पहले ही चिन्हित किया हुआ था कि जहां पर हमारा 500 तक का, आप 1,000 बता रहे हैं, हम तो 500 तक का जो है नेक टू नेक लेकर चल रहे हैं, 500 तक नेक टू नेक लेकर चल रहे हैं, यानी ये जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, 1,000 का मार्जिन नजर आ रहा है इन तमाम सीटों पर, इसका अंदेशा पहले से कांग्रेस पार्टी को था, अलका लांबा ये कह रही है, और उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई गई थी। तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर 500 से कम का भी मार्जिन हो सकता है, इसका अंदेशा था, ये कह रही है अलका लांबा, इंपॉर्टेंट बात कही है। और इस बीच एक बड़ी खबर, ईसी के रुझानों में, इलेक्शन कमीशन के रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, 115 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस। तो ये चुनाव आयोग के जो रुझान है वो ये तस्दीक कर रहे हैं कि रुझानों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल गया है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, 115 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। सुमेरा जी, हाँ, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं उसमें बहुमत मिला है तो बेल्लारी ग्रामीण से, लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वो है कि मंत्री जेसी कुमारस्वामी भी पीछे चल रहे हैं।
मधुस्वामी भी पीछे चल रहे हैं, मंत्री जेसी मधुस्वामी भी पीछे चल रहे हैं, टिपटूर में मंत्री बीसी नागेश भी पीछे चल रहे हैं, और हमने पहले भी आपको बताया था कि एक दो नहीं कई मंत्री हैं जो पीछे चल रहे हैं। बिलगी से मंत्री मुरुगेश निरानी पीछे चल रहे हैं, आठ मंत्री लगभग शुरुआत में जो रुझान सामने आ रहे थे उसमें पीछे चल रहे थे। बेल्लारी ग्रामीण से श्री रामुलु पीछे चल रहे हैं, मंत्री जेसी मधुस्वामी भी पीछे हैं। तो ये देखिए बड़ी तस्वीर जिसमें मंत्री ही पीछे चल रहे हैं बड़ी संख्या में। ये शिवानंद आपसे अगर मैं जानना चाहूं कि ये जो तस्वीर है क्या वो बताती है कि सरकार की तरफ जो एंटी इनकम्बेंसी क्या उसको प्रदर्शित करती है ये, जब मंत्री ही पीछे चल रहे हो, या और ज्यादा सख्ती के साथ टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था बीजेपी की तरफ से, क्या कुछ कमी रह गई? नहीं देखिए, अगर मंत्री पीछे चल रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये सरकार के लिए, बीजेपी सरकार के लिए चिंताजनक बात है कि उनकी सरकार के जो प्रतिनिधि के रूप में मंत्री काम कर रहे थे वो क्यों पीछे चल रहे हैं। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभी तक की जो इलेक्शन कमीशन की काउंटिंग हुई है वो 2 से लेकर और 6 राउंड तक की काउंटिंग हुई है। आप बता रही हैं कि 45 सीटों पर लगभग 1000 का मार्जिन, 1000 या उससे कम का मार्जिन है। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी का टोटल वोट शेयर आ रहा है वो लगभग उतना ही है 1% के अंतर से जितना पहले था। तो अगर इन 45 सीटों, आपको क्या लगता है बदल सकती है तस्वीर? आप बताइए आपका क्या आंकड़ा है? बहुत, ये अगर 45 सीट का 1000 के अंतर पर है तो ये आंकड़ा थोड़ा सा बदल, मुझे आपके मुताबिक क्या बदल सकती है तस्वीर, क्योंकि 45 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1000 से भी कम का मार्जिन? निश्चित तौर पे कुछ थोड़ा बहुत बदलाव होगा, लेकिन अब इतना बदलाव नहीं हो जाएगा कि बीजेपी उस स्थिति पहुंच जाए जहां कांग्रेस है। कुछ बदलाव होगा, उसकी असली वजह है कि वोट शेयर चाहे वो लिंगायतों का हो वो कांग्रेस को मिला है, मुस्लिम वोट खास तौर पे पूरा का पूरा कांग्रेस को गया है, ये पहली बार हुआ। बिल्कुल, मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट हुआ है ये बार बार कहा जा रहा है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, एक तो सबसे बड़े मुद्दे की अगर बात करें जो असर